శ్రీజీవమి కురుత మందమతీర్దయాంబరా తమాదిదేవం కరుణానిధానం కమాలవర్ణం త్రివిధావతారం అపార సంసార సముద్ర సేతు భజామహి భాగవతం స్వరూపం జం ప్రభజంతమనుపేతమపేతకృతం ద్వైపాయన విరహకాతర ఆజుభావ పుత్రేతి తన్మయతయాతరభూభినేను స్తం సర్వభూతహృదయం మునిమానతోస్తు నారాయణం నమస్కృత నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదిరే శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసవి గౌర భక్త వృంద బల హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ హరి రామ 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 హరి బల హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ హరి రామ 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 హరి హరి సర్వప్రథమ మరి గురుపాద పద్మ నితలీలా ప్రభుష్ణ విష్ణు పాదర శ్రోతర శతశ్రీ శ్రీ శ్రీమాత్ భక్తి స్వరూప్ సిద్ధార్థ గోస్వామి మహారాజ్ కి చరణ కమలమే అనంత కోటి సాష్టాంగ దండవత్ ప్రణామ కర్తాం తత్పశ్చాత్ మరి శిక్షా గురుపాద పద్మ నితలీలా ప్రభుష్ణ విష్ణు పాదర శ్రోతర శతశ్రీ శ్రీ శ్రీమాత్ భక్తి వేదాంత శ్రీల నారాయణ గోస్వామి మహారాజ్ కి చరణ సరోజమే శ్రద్ధా పుష్పాంజలి అర్పణ కర్తాం ఉపస్థిత వైష్ణవ వైష్ణవి మాతా పితా భాయి బహన్ సభీ కో మే యథాయోగ్య ప్రణామ కర్తా గత కల్లే హమ్ లోగ్ శ్రవణ కర్ రహే థే యే శ్రీమద్ భాగవత కథా కీ మహాత్మ్య శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ కహతే హై అగర్ కిసీ గ్రంథ కీ మహిమా కో సమజ్నా చాహతే హో తో ఉస్కీ చార్ దృష్టికోణ సే విచార్ కరో అబ్ లోగ్ యాద్ కర్నా మే కల్ కర్ పూచుంగా अपने क्या समझे पहला नंबर है ये भागवत कथा कौन सुन सकता है लेकिन कल सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी ने बताया कथा वही सुन सकते हैं बोले जन्मांतरी भवेद जिनको करोड़ों करोड़ों जन्म से कोई पुण्य उदय हुआ तभी ये भागवत कथा कोई सुन सकते हैं अगर कोई बोले भैया हमने तो कोई पुण्य ही किया हम तो बड़े पापी है फिर ये कथा को क्या हम सुन सकते हैं इसलिए उसने उदाहरण दिया भैया धुंधुकार जैसे कोई इतने बड़े पापी हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारी संस्कृति है कोई मरने का बाद एक बार गया में जाओ और उनकी पितृ पुरुष को उद्देश्य में एक बार केवल पिंड दे दो वो जितने बड़े पापी क्यों नहीं वो उसको मुक्ति मिल जाती लेकिन जब गोकर्ण धुंधुकार नाम पर उन्होंने पिंड दिया लेकिन जब घर में आया देखा धुंधुकार फिर भूत प्रेत बनकर घर में बैठा हुआ बोले तेरे नाम पर मैंने पिंड दिया तेरे को मुक्ति नहीं मिली बोले भैया मैंने इतना पाप किया मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दोगे ना मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी इतना बड़ा पापी ये धुंधुकार था लेकिन इसको मुक्ति कैसे मिली बोले भागवत कथा से तात्पर्य है ये भागवत कथा की इतना महत्व है जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो एक बार आए और ये भागवत कथा में केवल बैठ करके ये कथा को केवल सुन ले कहते भागवत कथा उसे भगवत प्राप्ति भगवत प्रेम और भगवत धाम को उसको प्राप्ति करा देता है इसलिए कथा कौन सुन सकते हैं बोले पापी से भी पापी कथा सुन सकते हैं अगर कोई बोले हम क्या कम जानते हैं अरे सुनी सुनाई कथा को हम कितना बार सुनेंगे हमने बहुत बार सुन ली हमने बहुत पढ़ लिया भी हमें ये सब कथा बता नहीं सुननी चाहिए उसके लिए उदाहरण दिया बोले आप सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े ज्ञानी नहीं ये सुखदेव गोस्वामी थे कौन
बलिप्रिया सुखश्री विषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबदीना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवासी। तो कवि कर्णपुर कहते हैं बोले ये राधा जी की प्रिय सुख है, इसलिए भागवत पढ़ना श्री सुख, श्री सुखो वाच, श्री सुखो वाच, श्री श्री मतलब श्री प्रिया, सुख मतलब कहते ये एक समास बद्ध पद है, बीच में एक पद नहीं, वो पद प्रिया शब्द नहीं। बोले श्री प्रिया सुख, बोले राधा जी की ये प्रिया सुख है, जिसको राधा रानी हाथ में बैठा करके आनंद की दाना खिलाया करती थी। बोलती थी बोलो तो कृष्ण कृष्ण, वो सुख भी बोलता था कृष्ण कृष्ण, है राधा रानी भी जिसको हाथ में बैठा करके उसको कृष्ण नाम पढ़ाया करते थे, कृष्ण भी पढ़ाया करते थे। बोले निकुंज प्रसाद सदा निवासी, वो कहाँ रहता था? बोले राधा जी के निकुंज मंदिर में निवास करता था। इसलिए कभी कभी श्री राधा रानी इसको कृष्ण रूप मानती थी, कभी कभी इनको चुंबन करती थी। चुंबन करने पर कहते राधा जी की जो अधरा मृत ये सुख का थोंट में लगा हुआ था। इसलिए जब ये श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई वहां पर 88,000 ऋषि है, सुखदेव गोस्वामी के पिता, उनके पिता, उनके पिता, कोई 100 साल के, कोई 500 साल के, कोई 1,000 साल के, जटा जुगधारी बड़े बड़े वहां पर साधु लोग बैठे हुए थे, लेकिन नंगे धड़े सबसे छोटे, लेकिन ये छोटे बच्चे से कथा सुना। बोले क्यों? बोले ये सुख कोई साधारण सुख नहीं था, ये राधा जी की प्रिया सुख है, और जिसको मुंह में राधा जी की अधरा मृत लगी हुई। इसलिए राधा रानी कौन है? बोले वैदग्ध सिंधु रस मूर्ति कृपा सिंधु, लावण्य सिंधु रस मूर्ति कृपा सिंधु। कहते जो राधा रानी ये रस समुद्र, प्रेम के समुद्र, लावण्य के समुद्र, ये रस की समुद्र, बोले श्री राधे के स्फुरत में रस खेल सिंधु। ये राधा रानी में जैसे सप्त समुद्र है, लवण समुद्र, इक्कु समुद्र, दूध समुद्र और सहित का समुद्र, सप्त समुद्र समुद्र, कहते राधा जी के अंदर में ये सारे समुद्र विद्यमान थी राधा जी को अंदर में। इसलिए राधा सप्त को बदला दो, बताओ क्या होगा? बोलो राधा को बदला क्या होगा? हाँ, इसलिए कहती है राधा रानी में ही कहती है कृष्ण प्रेम रस की धारा थी राधा रानी। इसलिए इतने बड़े जो रसी की भक्त है, राधा जी की एक सखी है, राधा जी की एक सखी है सुखदेव गोस्वामी, और ये गर्भ में 16 साल तक रहे, और गर्भ से जन्म होते ही उन्हें ब्रह्मज्ञानी बन करके चले गए, और लेकिन इनकी कानों में जब एक श्लोक पड़ा ना पागल हो गए, सारे ब्रह्म ध्यान ज्ञान को उन्हें त्याग दिए। त्याग देकर क्या की? बोले कुर्बन अही तुकी भक्ति इथम भूत गुणहरी, हरि की लीला में, हरि की कथा में इतने रस है, कभी ये ब्रह्म में जो डूबे होने वाले व्यक्ति भी भगवान के प्रेम रस में सराबर हो जाते हैं। इसलिए कथा कौन सुन सकते हैं? बोले ज्ञानी से ज्ञानी क्यों नहीं हो, वो भी ये कथा सुन सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले कृष्ण कथा जय सोना अघाए, कृष्ण कथा जय सोना अघाए, राम कथा जय सोना अघाए, राम कथा जय सोना अघाए, I'm
अगर कोई कहता है अरे सुनी सुनाई कथा को कितना बार सुनोगे, हम तो सुन सुन को बोर हो, कथा सुन सुन के हम तो बोर हो गए। अगर ऐसे कोई बोले ना, गोस्वामी जी कहते भैया उसको कथा की रस पता नहीं। बोले हनुमान जी कौन है? बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। बोले ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ ज्ञानी श्री हनुमत लाल जी। बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तन। आप देखना कहीं भी प्रभु राम की कथा हो ना, सबसे पहले हनुमान जी की तस्वीर लगाएंगे। बोले क्यों? बोले राम कथा के सबसे बड़े रसिया कौन है? बोले श्री हनुमत लाल जी। कथा से सबसे पहले हो जाएगी और ऐसे नहीं बैठ जाएगी, पहले कथा स्थली को प्रणाम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हरि कथा हो। कहते सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाचुतात्र कथा प्रसंग। इसलिए जहाँ पर ये प्रभु की कथा हो, बोले सर्वाणि तीर्थानि, पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर है, सारे तीर्थ वहीं पर। जो कथा सुन लिया समझो बैठी बैठी करके गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री सेतुबंद रामेश्वर द्वारकापुरी, समझो सारे तीर्थ कर लिया है। बल्कि उससे ज्यादा है, बल्कि उससे ज्यादा फल मिलता है। हैं? आप लोग गंगा में गए हो? हरिद्वार गए? कौन कौन हरिद्वार गए? हरि की पौड़ी में स्नान किया है? अब देखना वहां पर लिखा हुआ सावधान अंदर ज्यादा मत जाना, पानी बड़ी गहरा, बड़ी तेजी से पानी बहती है, अगर थोड़ी सी अंदर में उतरे ना डुबकी लगा तो पूरा ही डूब जाओगे, पूरा ही मर जाओगे। अगर ज्यादा गंगा पानी में डूबोगे तो मर जाओगे। लेकिन आप किसने कहीं बताया भैया भगवत कथा रूपी गंगा में ज्यादा डुबकी मत लगाओ? कहते भैया इसमें जितनी गोता लगाओगे ना उतना तर जाओगे, और गंगा में ज्यादा गोता लगाओगे तो मर जाओगे। मर जाओगे इसमें तर जाओगे। इसलिए कहते गंगा स्नान से भी ज्यादा महत्व है ये कथा रूपी गंगा में जो स्नान कर लेते हैं, उससे ज्यादा महत्व है। क्यों? गंगा थोड़ी सी पाप हरण करेगा और कुछ नहीं। इसलिए बोले गंगा पापम ससी तापम दन्न कल्प तरु हरे तथा पाप तथा पुण्यम हरेत सत्समागम। कहते गंगा क्या करती है? बोले पाप हरण करती है। बोले चंद्रमा क्या करती है? बोले ताप को हरण करती है। बोले कल्प वृक्ष बोले दुख को हरण करती है। लेकिन कहते भगवत कथा भागवत कथा बोले पाप तापम तथा पुण्यम, कहते सारे पाप को हरण करती है, सारे ताप को हरण करती है और सारे दुख को हरण कौन करती है? बोले ये भागवत कथा है। इसलिए बोले जो कथा रूपी गंगा में स्नान किया था, जो बैठ बैठ करके सारे तीर्थ में यही बड़ी तुमने स्नान कर लिया, इसलिए कहीं जाने का जरूरत नहीं, कथा रूपी गंगा में स्नान करते रहो। इसलिए यहाँ पर बताए भगवत कथा सुन करके अगर कोई बोले भैया हम तो अधाई मतलब बोर हो गए, बोले भैया वो रस को नहीं जानता है, वो रस को नहीं जानता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं तुंडे तांडव विनिपितनुते तुंडा बलि लब्धे कर्ण त्रणो कड़विनि घटे ते कर्णाभदेव स्त्रिया। इसलिए रूप गोस्वामी कहते प्रभु आपकी कथा नाम सुनने के लिए दो ही कान क्यों दे दिया, करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दिया, दो ही आंख क्यों दे दिया, अर्बुद खरबुद आंख क्यों नहीं दिया है? इसलिए कहते कथा कौन सुन सकते हैं? बोलो बोले पापी से पापी भी कथा सुन सकते हैं और ज्ञानी से ज्ञानी भी ये कथा सुन सकते हैं। अधिकारी कौन? सत्य सब अधिकारी सब कथा सुन सकते हैं। कहते भैया इसमें विषय वस्तु क्या है? बोले इसमें साधारण कोई विषय वस्तु नहीं, जिसको कहते बोले आराध्य भगवान ब्रजी सतनय तथा वृंदावन रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वरदेन जा कल्पिता। बल्कि श्रीमद् भागवत में जो विषय वस्तु है भगवान कृष्ण की कथा है, कृष्ण कथा जिसमें जिसमें ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर की कथा जिसमें, इसलिए हम आगे सुनेंगे श्री व्यास देव जी सारे ग्रंथों को लिख लिख डाले, शांति नहीं मिली, लेकिन जब उन्होंने कृष्ण कथा सुनाए, इसलिए गुरुदेव कहते हैं श्री नारद जी व्यास देव को पूछते हैं बोले तुमने कृष्ण की कथा सुनाया कि नहीं? बोले नहीं,
बोले शांति कैसे मिलेगी? बोले ये कथा तुमने सुनाई, कृष्ण कैसे पराप कर तत्व होते हुए भी सखा को घुटने कैसे खाते? बोले नहीं, बोले तुमने ये सुनाए तो परम ब्रह्म होकर के मैया जसोदा कैसे उथल में बांध देती है, कैसे कान पकड़ कर तू उठाती है बेटा? तुमने लिखे? बोले नहीं। बोले तुमने ये लिखा वो पराप पर तत्व होते हुए भी जब राधा रानी मान करती है, हैं श्याम सुंदर जी को बनाने के लिए अपना मौर मुकुट उतार करके रख देते हैं, अपना बंसुरी उतार करके रख देते। बोले राधे अभी तो मान गया। इसलिए कृष्ण कभी कभी कहते हैं भैया ये गिरिराज को उठाने में जितने कष्ट नहीं हुआ, ये कालियों को नखने में जितने कष्ट नहीं हुआ, अघासुर बकासुर को मारने के लिए जितना कष्ट नहीं हुआ, अगर राधा रानी मान कर लेते ना उससे ज्यादा कष्ट होता है राधा जी को मनाने के। बोले राधा रानी की ऐसे मान दुर्जय मान। बोले लिखे हो? बोले नहीं। बोले तुमको शांति कैसे मिलेगी? अगर शांति पाना चाहते हो किसी ग्रंथ में भगवान की प्रेम की कथा सब ये ग्रंथ में तुम लिखो। इसलिए एक इसमें विषय वस्तु क्या है? बोले भगवान के दिव्य कृष्ण के दिव्य चरित्र में चरित्र जिसमें लिखा गई। और श्री उद्धव जैसे व्यक्ति, बोले उद्धव कौन है? बोले पांच तरह का भक्त है जिसको श्री सनातन गोस्वामी ये बृहद भागवत अमृत में लिखते हैं, ज्ञानी भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमापर और प्रेमातूत। क्या भगवान के पांच तरह का भक्त है? बोले सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? बोले उद्धव जी। ये उद्धव जी सर्वश्रेष्ठ भक्त, उसको ऊपर कोई भक्त और भक्त का नाम ही नहीं है, ये भक्त का अंतिम छोर से उद्धव जी। लेकिन इसी उद्धव जी भागवत में क्यों इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है? बोले उद्धव जैसे व्यक्ति भी जब ब्रजवासियों का प्रेम, गोपियों की राधा जी की प्रेम का दर्शन करते हैं, बोले बुद्ध शुद्ध है गयो, सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाय दुगटू की बाजे प्रेम की बोल। ऐसे व्यक्ति भी जिनकी प्रेम देख करके चकाचौंध हो जाते हैं, इसलिए उद्धव पूरा के पूरा सिद्धा हो गए। उद्धव जी पूरा के पूरा उद्धव जी सिद्धा हो गए। इसलिए कहते विषय वस्तु क्या है? बोले जिसमें श्री ब्रजवासियों की, ब्रज गोपियों की जिसमें प्रेम की बात जिसमें बताए। तीसरा पॉइंट है भैया कथा सुने कहां से? इसलिए श्री वृंदावन से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण, चैतन्य भक्त तुम्हें नित्य कर संग, तबे तो बुझी तुम्हें सिद्धांत करण। अगर भागवत की रस समुद्र में गोता लगाना चाहते हो कथा कहाँ सुननी चाहिए? कहते भैया जहां तक कथा नहीं सुननी चाहिए। कहते जहां तक कथा नहीं सुननी चाहिए, किससे सुननी चाहिए? बोले वैष्णव से कथा सुननी चाहिए। बोले कौन सा वैष्णव हो? जो महाप्रभु की धारा में जो अभिषिक्त वैष्णव है। तब उदाहरण देते हैं जैसे समुद्र मंथन से बीस निकला और समुद्र मंथन से अमृत निकला, ये भागवत से बीस निकलता है और भागवत से अमृत दोनों निकलता है, है? लेकिन अगर वैष्णव का अनुगत्य में भागवत पढ़ोगे तो आपको अमृत मिलेगा। अगर डायरेक्ट मनमानी ज्ञानी कर्मी जोगी की अनुगत्य में भागवत कथा पढ़ोगे तो बोले भैया बीस ही बीस मिलेगा, जहरी जहर मिलेगा। इसलिए बोले जहां भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, ये वैष्णव कौन सा वैष्णव? जो महाप्रभु की धारा में जो भक्त आए हैं उनके अनुगत्य में ये कथा सुननी चाहिए, फिर तो आपको रस समुद्र मिलेगा, फिर भागवत की रस तुम्हें प्राप्त होगी। इसलिए पद्म पुराण में बताया अवैष्णव उपदेष्ट मंत्र निरव्रज, अवैष्णव मुखद दीर्णम भूतम हरि कथा मृतम श्रोतव्य नैव कर्तव्यम यत् सर्वोचिष्ट यथापय। जैसे दूध पियो तो क्या होता है? क्रोधा निवृत्ति होगा, शरीर में ताकत आएगी, हृष्ट पुष्ट होगा। लेकिन वही दूध में अगर सांप मुंह मार दे, वो देखने के लिए लगेगा तो दूध है, लेकिन अगर उसको पियोगे ना मृत्यु कारण बनता है। उसी तरह यहाँ पर कहते हैं अगर ये भागवत वैष्णव से अगर कथा नहीं सुनोगे ना वो केवल जहरी जहर है, लेकिन लगेगा कि आप तो कथा सुन रहे, वो तो कथा नहीं वो जहर है, उसको पियोगे तो भक्ति की मिलेगी तुम्हें, भक्ति तुमको नहीं
मिलेगी, भक्ति से दूर हो जाओगे। इसलिए सुननी कहां से, बोले वैष्णव से ये कथा सुननी चाहिए। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे भागवत की महिमा को, जो श्री पद्म पुराण में जो कथा की महिमा बताई, आज थोड़ी सी स्कंद पुराण की कथा सुनते हैं। बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, मैया कुंती को जब पता चला, मैया उसी समय शरीर को त्याग दी। बोले क्यों? बोले कृष्ण विहीन प्राण ही प्राण नहीं, जब कृष्ण ही नहीं रहे रह करके क्या हुआ? पांडव लोगों ने देखा जब कृष्ण ही रहे नहीं, पर हम क्यों रहे? उन्होंने हस्तिनापुर का राजा श्री परीक्षित महाराज को और विद्यामन का राजा बज्रनाभ को बनाकर को भी महाप्रयाण में चले गए। एक दिन परीक्षित महाराज वृंदावन में श्री बज्रनाभ के पास में आते हैं। बोले बज्रनाभ सब कुशल मंगल है ना? बोले आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है, लेकिन जो मैं नहीं ये बड़ा उदास। बोले क्यों? बोले वृंदावन में कोई है? ये वृंदावन खाली है। कल खाली क्यों? जैसे भगवान ने नाम जब उन्हें अयोध्या से गए, संपूर्ण अयोध्या लेकर के चले गए, जब कृष्ण ये संसार छोड़कर गए वो अकेले भी गए। बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम साहब करे। भगवान जब आते हैं पूरा धाम को लेकर के आते हैं, और जब जाते हैं पूरा धाम को ठाकुर जी लेकर के चले जाते हैं। ठाकुर जी पूरा धाम को लेकर गए। बोले यहाँ पर एक कीड़े मकोड़े पशु पक्षी तक भी प्रभु नहीं छोड़े। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं वृंदावन के जितने कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों को साधारण नहीं, ये सबके सब कृष्ण के भक्त सबके साथ। बोले ये वृंदावन में कोई है ही नहीं वृंदावन, इसलिए मन बड़ा उदास है, खाली खाली लगता है। लेकिन परीक्षित महाराज को पता है, कृष्ण खुद कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, मैं वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। वो अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में है, लेकिन ये रहस्य को कौन जानता? बोले सांडिल्य ऋषि जानते, इनके पुरोहित है नंद बाबा को। उन्होंने सांडिल्य ऋषि को बुलाए और सांडिल्य ऋषि को बोले आप कृपा करके थोड़ी सी ये वृंदावन की महिमा को बताओ, ये वृंदावन का रहस्य को। तब श्री सांडिल्य ऋषि कहते देखो देखो श्री बज्रनाभ जी, भगवान की दो तरह का लीला है, एक तो उनकी असली लीला जो वास्तव लीला, और एक लीला उनकी व्यवहारिक लीला। लेकिन उनकी जो वास्तव जो लीला है, बोले कृष्ण कहीं भी वृंदावन छोड़कर गए नहीं, अभी कृष्ण पूर्ण रूप में वृंदावन में। लेकिन जो व्यवहारिक लीला है, जैसे कृष्ण ये संसार छोड़कर के चले गए, संसार छोड़कर कृष्ण चले गए, अभी प्रश्न है। बोले भैया हमें क्यों नहीं दिखता है, हमें क्यों नहीं दिखती? बोले कारण है कि जो माया की पर्दा हमारे आंखों के ऊपर में, माया की पर्दा डाला हुआ, लेकिन जब भजन करते 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 हृदय में जब प्रेम प्रकट होगा, फिर तो वृंदावन में सब जगह में देखोगे अभी भी कृष्ण बंसरी बजाते हैं, अभी भी कृष्ण गैया चराने जाते हैं, अभी भी गोपियां वृंदावन में रोज यमुना में पानी भर में अभी भी यमुना जाती है। इसलिए वृंदावन में दो वर्ण है, एक विधु वर्ण और एक निकुंज वर्ण। ये दो वर्ण में देखना, शाम होते ही वहां बहुत सारी बंदर है, देखना बंदर को भगाने का जरूरत नहीं, वो बंदर शाम होते ही अपना को निकलना शुरू हो जाता है। वहां पर ठाकुर जी को फूल सज्जा लगाते हैं, लड्डू दातन लोटे में पानी रखते हैं, लेकिन सवेरे जा करके देखो लोटे में पानी नहीं मिलेगा, लड्डू नहीं मिलेगी, लगेगा जैसे पुष्को सज्जा के ऊपर में रात में कोई लेट कर गए। अगर जोर जबरदस्ती कोई अगर रह जाएगा ना देखने के लिए, वो गुंगा हो जाएगा, नहीं तो शरीर छोड़ देगा। इसलिए जिनको विश्वास नहीं होता है, थोड़ी अभी ठाकुर कुछ नहीं, जिसको विश्वास नहीं होता है ना, वो वृंदावन में जाए और ये दो वर्ग में कोई एक वर्ग में रात को रुक करके देखे, फिर उसको पता चल जाएगा ठाकुर है क्या नहीं। इसलिए हमारी गौड़ीय संप्रदाय में इतने प्रमाण है, महाप्रभु का भक्तों का जीवन में इतने प्रमाण है। श्री श्यामानंद प्रभु को
झाड़ू लगाते लगाते राधा जी के चरण के ऊपर उनको मिला और अपना हाथों से श्री किशोर जी के चरण में नुपुर उन्होंने पहनाया। राधा रानी साक्षात उनको दर्शन देती है। कहते श्री रूप गोस्वामी, जब से सनातन गोस्वामी दोनों हरि चर्चा कर रहे थे, बोले बड़े भाई को अगर खीर होता तो खिलाना, राधा रानी स्वयं आकर खीर बना करके जाती है। स्वयं राधा रानी खीर बनाती है। जब रूप गोस्वामी भोग लगा करके सनातन गोस्वामी को खिलाए, खीर खा करके तो उनको रोम रोम खिल उठा, क्योंकि जीवन में बहुत खीर खाए लेकिन ऐसे खीर हमने कभी खाई नहीं। बोले क्यों, बनाया किसने? बोले श्री ईश्वर ने बनाया। भोग लगाया किसको? बोले श्याम सुंदर को लगाया किसने? बोले रूप गोस्वामी ने। तो उसमें कितने स्वाद नहीं होगा उसमें। इसलिए स्वयं राधा रानी खीर बना करके जाती है। सनातन गोस्वामी रोज गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। जब एक दिन परिक्रमा करते करते जेठ के महीना में थक करके एक वृक्ष को नीचे लेट गए। कृष्ण बलराम प्रकट होते हैं वहां पर और कृष्ण समझाते हैं, तुम वृद्ध हो गए, इतना परिश्रम करने का जरूरत नहीं, अभी वृंदावन में रह करके भजन कर। बोले नहीं, जब तक रहूंगा तब तक मैं परिक्रमा करूंगा। ठाकुर जी बोले एक चीज तेरे को देता हूँ, इसको अगर चार बार परिक्रमा करोगे ना, गिरिराज परिक्रमा की फल मिल जाएगी। कृष्ण बंसी बजाए, गिरिराज गोवर्धन पिघल गया। कृष्ण अपना चरण का छाप, गैया घोरा का चरण का छाप, बंसुरी और लपटी, ये चार चिन्ह रख करके पहले इसको चार बार परिक्रमा लगाना, गिरिराज परिक्रमा की फल मिल जाए। इसलिए वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर में अभी भी वो शिला है। आप देखना 24 घंटा हर समय लोग उसकी परिक्रमा करते हैं। इसलिए श्री सांकेल ऋषि ने कहा, देखो अभी कृष्ण कहीं नहीं गए, कृष्ण पूर्ण रूप में वृंदावन में, लेकिन दिखेगा कब? बोले प्रेमा जन छोरी तो भक्ति बिलोचनी न संत सदैव हृदय सो बिलोकयम तम जब श्याम सुंदरम मचित गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, जब इन्हीं आंखों में प्रेम रूपी काजल को लगाओगे, सर्वत्र तो आप कृष्ण 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 राधे 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 सर्वत्र आपको ठाकुर जी की दर्शन प्राप्त होगा। और देखो, अगर इसी समय में अगर कृष्ण दर्शन करना चाहते हो, एक काम करो। बोले बताओ क्या करना चाहिए? बोले धीरे 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 कृष्ण के जो लीला स्थली ये अंतर ध्यान होते जा रहे हैं। कृष्ण कहाँ पर बंसुरी बजाए, कहाँ पर गोचार में किया, कहाँ पर रास रचाया, अभी धीरे 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 ये नष्ट होती जा रही है। बल्कि ये सब लीला स्थलियों को तुम प्रकाश करो, फिर भगवान की कृपा होगा और सब ठाकुर को प्रकाशित करो। उन्होंने सारे ब्रज मंडल को, गिरिराज गोवर्धन कहाँ है, कृष्ण कहाँ पर खड़े होकर के ये गिरिराज उन्होंने उठाया, कहाँ पर दीप है, कहाँ पर नंदगांव है, कहाँ पर बरसाना है, कहाँ पर चावट है, कहाँ पर कृष्ण कोकिल स्वर से कू कू करते करते कहाँ पर उन्होंने गोपियों को बुलाए, राधा जी को बुलाया करते थे। इसलिए उन्होंने एक ब्रज में एक स्थान का नाम आज नव एक स्थान है। जब कृष्ण बंसुरी बजाए, राधा रानी को गोपियां श्रृंगार कर रही थी, अभी सब श्रृंगार तो हो चुका है लेकिन आंखों में काजल लगाना बाकी था। इतने में कृष्ण बंसुरी बजाए, राधा रानी तो भागते 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 आए। कृष्ण ने देखा राधा जी के सारे श्रृंगार है लेकिन अभी आंखों में काजल थी। कृष्ण ने उनको आंखों में काजल लगाए और जो अंगुल था ना, एक पत्थर, जिस पत्थर को पर बैठ करके आंजल लगा रही थी, वो पत्थर में अपना अंगुल को घिस दिया। वो अभी भी वो पत्थर है, अगर वो पत्थर को रगड़ो ना, उसमें आंजल, उसमें काजल, अपने आप काजल निकलती। अद्भुत एक पत्थर है, सारा दुनिया आकर वो घिस घिस करके उसका आंजल काजल को लेकर के चले जाते हैं। इसलिए अभी भी ब्रज में बहुत सारे स्थान है जो डायरेक्ट प्रभु लीला की साखी देते हैं। इसलिए एक स्थान का नाम छत्रवर,
तो चक्रवर्त नाम क्यों पड़ा? जहां पर कृष्ण जब गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठाया, पूरा ब्रज में हला हो गया, बोले भैया कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन उठा लिया। इंद्र भी आकर के जिनकी चरण में माफी मांगी, नाग रगड़े, पूरा ब्रज में हला हो गया, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, जयकार नहीं दे रहे, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। अभी ब्रज में हला हो गया, सारा दुनिया कह रहे थे बोले भैया ब्रज का राज तो कन्हैया है। अभी राधा रानी जब ये बात को सुनी ना, तो उन्होंने पौर्णमासी के पास में गई, बोले पौर्णमासी जी मैं क्या सुन रही हूँ, सारा दुनिया में कृष्ण की जय जयकार हो रहा है, ढिंढरा पीट रहे हैं, बोले इंद्र भी जिनके चरण में आकर के माफी मांगी, कहती ये ब्रज का राजा कृष्ण, अरे सारा दुनिया मेरे को कहते राधा रानी, राधा रानी, लेकिन कोई दुनिया नहीं कहता है कृष्ण राजा, कोई बोलता है क्या, कहते राधा रानी, वृषभानुनंदिनी राधा रानी है। इसलिए ब्रज की जो राज रानी श्री किशोर जी, वर्णवासी बोले हाँ रानी तो तू हो, बोले कृष्ण का जय जयकार कैसे हो रहा है। राधा रानी ने कहा आज हम कृष्ण को बंदी बनाएंगे, कृष्ण को हम बंदी बनाएंगे। इतने में राधा रानी अपना दलबल को लेकर के जाती हैं और आई रानी, एक सिंहासन में राधा रानी को रानी बना करके बैठा दिए और सखियों ने छत्र धारण किया, बोले जाओ कृष्ण को बंदी बना कर खिलाओ। और गोपियां कृष्ण और कृष्ण सखा के ऊपर आक्रमण करते हैं और कृष्ण को बंदी बनाया, बोले कैसे, बोले फूलों की माला से, भगवान को थोड़ी कोई बंदी बना सकते, प्रेम से बांध सकते हो, इसलिए उनको फूलों की माला से बंदी बनाया और श्री श्याम सुंदर को लेकर के आए। आकर के राधा रानी सिंहासन में बैठी हुई थी, जब राधा रानी देखा श्याम सुंदर को बंदी बना करके लाए, तो राधा रानी खड़ी हो गई, फिर दोनों को सिंहासन में बैठा कर गोपियां उनकी जय जय राधा कृष्ण ने जुगल मिलकर आरती कर रहे ललित आदि सखीगण। कृष्ण स्वयं राधा जी के सर के ऊपर में छत्र धारण किए, बोले आज से ब्रज का जो राज रानी कौन है, श्री राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी। इसलिए उस स्थान का नाम है छत्र पर, मतलब कृष्ण जिनके सर के ऊपर में छत्र धारण किया था। कहते ये सब लीला स्थलियों को किसने प्रकटित किया, बोले बज्रनाथ, सारे लीला स्थलियों को उन्होंने प्रकटित किया। और उन्होंने गोविंद गोपिका मदन मोहन हैं और साथी गोपाल श्रीनाथ जी ये सब ठाकुर जी को उन्होंने प्रकाशित किया। प्रकाश जब किए तब इनके ऊपर में भगवान की कृपा हुई, आशीर्वाद इनके ऊपर में हुई। यदि कृष्ण की जितने महिषियां थी 16108 महिषियां, कृष्ण जब ये संसार छोड़कर चले गए इस सबके सब दुखी थे, लेकिन देखा जो कालंदी जो यमुना वो बड़ी प्रसन्न है, वो कलकल कलकल नाद से बह रही है, बड़ी खुश हो गई। महिषियों ने प्रश्न किया बोले कालिंदी हम सबके सब कृष्ण विरह में बड़े दुखी हैं, लेकिन तेरे अंदर में कोई दुखी नहीं, क्या तेरे को कोई कृष्ण विरह नहीं तेरे को? कालिंदी कहती है देखो ये राधा जी की आशीर्वाद से मेरे को पता है कृष्ण कहीं गए नहीं, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में वृंदावन है। इसलिए बोले राधा रानी के तीन स्वरूप है, कितना स्वरूप है बोलो, कोई पता नहीं सुन लो, राधा जी कितना स्वरूप है, बोले तीन स्वरूप है, बोले तीन स्वरूप क्या है, एक विरहिणी राधा, एक संजोगिनी राधा है, एक विरहिणी राधा और एक संजोगिनी राधा और एक है श्री वृषभानुनंदिनी, तीन राधा जी के स्वरूप है। जब ये विरहिणी राधा कौन है, कहती विरहिणी राधा जब उद्धव जी उद्धव क्यारी में आए, जब श्री राधा रानी कैसे कमल फूल को पर लेट हुई, कृष्ण एक भ्रमर बन करके राधा जी के चरण में बैठना चाह रहे थे, उसी समय राधा रानी मान करके श्री भ्रमर को कृष्ण मान करके जो टेढ़ी मेढ़ी बचन को बोल रही थी, बोले जितने काले सब धूर्त है, खबरदार ये काले से कोई प्रेम मत किया करो, ये काले से जो प्रेम करेगा ना जिंदगी को रोना पड़ेगा, तब तक हम सुखे थे जब तक ये काले से हमने
प्रेम नहीं किया, लेकिन जब से इससे प्रेम किया ना, तब से दिन रात इनकी विरह में रो रहे हैं। कभी ये सिर्फ विरह ही राधी, कहते संजोगी राधा कौन है, जब सूर्य ग्रहण में सारे ब्रजवासी सबके सब कुरुक्षेत्र में आए, कृष्ण भी वहां पर आए थे। जब कृष्ण जब राधा रानी से वहां पर मिले, कभी ये संजोगी राधा बोले वृषभानंदिनी कौन है, बोले श्री वृंदावन छोड़ करके, जैसे कृष्ण वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी कहीं बाहर नहीं जाते हैं, बोले जो वृषभानंदिनी राधा ये भी कभी वृंदावन छोड़कर नहीं जाती, इनके अंदर में कृष्ण विरह नहीं। बोले क्यों, बोले इनको ये अनुभूति है कृष्ण वृंदावन कभी छोड़कर गए नहीं, अभी भी कृष्ण वृंदावन में है। तो बोले देखो राधा रानी की कृपा से ये चीज पता चलता है कृष्ण वृंदावन में है, कहीं नहीं गए। बोले भैया हम भी राधा रानी की चेली पर, लेकिन हमें भी अनुभूति हो राधा रानी वृंदावन। बोले ये रहस्य कौन बताएगा, बोले उद्धव जी। बोले उद्धव जी कहाँ मिलेंगे, बोले अभी भी गिरिराज तलहटी में उद्धव जी घास बन करके अभी तपस्या कर रहे हैं। कहाँ पर, बोले गिरिराज में। परिक्रमा कौन कौन गिरिराज की लगाएगी, हाथ उठा कौन कौन गिरिराज की परिक्रमा लगाए, बाबा सबके सब लगा। ये राधा कुंड से पहले जो उद्धव कुंड है वहीं पर एक स्वरूप में घास बन करके तपस्या कर रहे हैं, और एक स्वरूप में बद्रीनाथ में गए और वहां पर तपस्या उद्धव जी कर रहे हैं। बोले वहीं पर उद्धव जी मिलेंगे, क्योंकि कृष्णा ये उद्धव जी को भेज करके ब्रजवासियों को उन्होंने सांत्वना दे दी, चलो हम सबके सब श्री उद्धव जी को पास में चलते हैं। सारे महिषिया सारे कद श्री बज्रनाथ परिकृत महाराज सांडिल्य ऋषि ये सब के सब आते हैं श्री गिरिराज तलेट के उद्धव कुंड पर, और वहीं पर बड़े सुंदर वहीं पर कीर्तन करते हैं। कीर्तन एक भजन सुनते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे तेरे चरणों की सभा, तेरे चरणों की राधे, तेरे चरणों की राधे।
बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। Yeah.
Thank you.
काची साधु वृंदावन वास Thank you.
बताओ हमें सांत्वना मिलेगी कैसे? कृष्ण तो चल गए दुनिया छोड़ करके। उद्धव जी बोले यही प्रश्न मैंने भी कृष्ण को की थी जब कृष्ण ये संसार से जा रहे थे। कृष्ण ने कहा देखो मैं ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आता हूँ, हर कलयुग में मैं नहीं आता हूँ। ब्रह्मा का एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग में कृष्ण एक बार आते हैं। हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते, हर त्रेता में प्रभु राम नहीं आते और हर कली में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं। जिस त्रेता में राम आते हैं ठीक उसी द्वापर में कृष्ण आए हैं, फिर उसी कली में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। इसलिए ये जो कली युग है ना ये धन्य कली युग बताया, क्योंकि इसी कली युग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए, सबको हरि नाम प्रदान किया, सबको उन्होंने ब्रज भक्ति प्रदान की और बोले ज्यादा परिश्रम नहीं। जिस प्रेम को पाने के लिए उद्धव जी घास बने, शंकर जी गोपीश्वर बन करके आते हैं, माँ लक्ष्मी कठोर तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी पत्थर जन्म की प्रार्थना करते हैं। जिस ब्रज प्रेम को पाने के लिए, लेकिन कलयुग में महाप्रभु आसानी से बोले कलयुग में ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं। कभी कलयुग में तो एक तो कोई जन्म ही नहीं लेना नहीं चाहते, क्यों? ये जीव का नाम है कलयुग। कली मतलब कलह, लड़ाई झगड़ा अशांति। ये कलयुग में कोई जन्म नहीं लेना चाहते, लेकिन ये जो कलयुग जिस कलयुग में हम आए ना, कहते स्वर्ग के देवता लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, त्रेता युग के लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहते राम राज्य के, और सत्य युग को कृत युग मानी गई क्योंकि धर्म का चार चरण सत्य युग में निवास करता था। लेकिन कृष्ण जब आए, कृष्ण की प्रभाव से वहां पर धर्म का चार चरण था, क्यों? कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। लेकिन ये कलयुग का इतना महत्व, ये जो कलयुग इसमें बड़े बड़े देवता लोग भी जन्म लेकर के महाप्रभु के आनुगत्य में वो कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं। इसलिए जो लोग सब तिलक लगाए ना गला में कंठी माला पहने, आप लोग साधारण नहीं हो, कि भागवत कहता है बोले आप बड़े बड़े देवता थे, बोले देवता से भी बड़े थे, सत्य त्रेता द्वापर युग में जन्म लिए हो, लेकिन वो युग का लोग भी ये कलयुग में
कृष्ण भक्ति महाप्रभु का प्रेम को पाने के लिए ये कलयुग में सबके सब जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए श्री उद्धव जी ने बताया, मैंने भी कृष्ण को ये प्रश्न की थी। कृष्ण ने कहा, हे उद्धव जी, मैं तो ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आऊंगा, लेकिन कलयुग में मेरे को पाने का और एक सरल उपाय। बोले बताओ कौन सा उपाय। बोले ये कलयुग में ये जो श्रीमद् भागवत है, ये कलयुग में ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में ये जगत में प्रकट होगा। इसलिए बताए, तेन अयं पांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष से वर्तते हरि। भगवान शब्द ब्रह्म रूप में ये भागवत रूप में प्रकट हुए भगवान। अगर कलयुग में ये भागवत कथा कोई सुनेगा, बल ये भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं। जो कथा सुन रहे हैं वो साक्षात मेरे साथ में, वो मिलन हो रहा है मेरे साथ में। इसलिए हे उद्धव जी, तब श्री उद्धव जी ने बताया, हे महिषियों, ये भागवत कथा श्रवण करो। महिषियों ने बताया, फिर तुम ही कथा में सुना दो। बोले ठीक है। कहते ये सर्वप्रथम कथा कौन किसको सुनाए। बोले सर्वप्रथम कथा ये गिरिराज तलहटी ने श्री उद्धव जी ये महिषियों को कथा सुनाए। हम तो 7 दिन तक कथा सुनकर खत्म हो जाएगी, विश्राम हो जाएगा, लेकिन जब उद्धव जी कथा सुनाई ना, उन्होंने 1 महीना तक उन्होंने कथा सुनाई, पूरा 1 महीना तक कथा अच्छी तरह से व्याख्या करते हुए उन्होंने ये भागवत कथा सुनाई। जब ये भागवत कथा विश्राम हो गई, ये भागवत से साक्षात भगवान कृष्ण राधा जी को साथ में, गोपियों को साथ में, ब्रजवासियों को साथ में, साक्षात कृष्ण ही ये भागवत ग्रंथ से प्रकट हुए। बोले श्रीमद् भागवत कथा महेश्वर ने कृष्ण से मिले और उनका हृदय में जो विरह था ये विरह दूर हो गई, परिपूर्ण उनका साथ के मिली। आप लोग देखना, अगर 7 दिन तक आप सही सही कथा सुनना, देखना कथा के बाद में आपका हृदय जैसे भक्ति के दो बेटे थे, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन ये कथा जब समाप्त होगी, ये कथा में इतने रस है कि ज्ञान वैराग्य बड़े शुष्क होते हैं, लेकिन इनके हृदय भी कृष्ण प्रेम में सराबर हो गया और कथा में एकदम जवानी बन गई भक्ति भी, और ज्ञान वैराग्य तो बेटे को साथ में सब के सब नाच उठे। हम भी जब ये कथा सुनेंगे, देखना 7 दिन में हमारे हृदय में जो ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति, ये तीनों के तीनों पुष्ट हो जाएंगे। अब सबके सब श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तब श्री उद्धव जी कहते, देखो मेरे को मेरे गुरुदेव एक कथा सुनाए थे। बोले क्या सुनाए थे। बोले भगवान कृष्ण जब वो दुनिया को सृष्टि की, सर्वप्रथम 3 देवता उन्होंने सृष्टि किया, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी को बोले तुम सृष्टि करो, शंकर जी को बोले संहार, और विष्णु को बोले पालन करो। इतने में ब्रह्मा जी कहते, बोले प्रभु जी ये सृष्टि रजोगुण का काम है, ये रजोगुण से मैं मुक्त कैसे होगा, ये सृष्टि करूं कैसे। बोले अगर ये भागवत को तुम 7 दिन तक सुनोगे, ये भागवत का प्रभाव से तुम ये सृष्टि काम को कर सकते हो। इसलिए ब्रह्मा जी ये भागवत प्रभाव से दुनिया को सृष्टि करते हैं। इतने में विष्णु आए, बोले प्रभु ये दुनिया को तो आपका आशीर्वाद से पालन कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करूं। बोले आप भी कथा सुनो और सुनाओ। जब स्वयं नारायण कथा सुनाते हैं, माँ लक्ष्मी बैठ करके कथा सुनती है, कहते नारायण और भागवत को 1 महीना में पूरी करते हैं, फिर माँ लक्ष्मी कथा सुनाती है, फिर नारायण बैठ करके कथा सुनते हैं। बोले माँ लक्ष्मी 2 महीना तक नारायण जितने सुंदर कथा सुनाते हैं, उससे ज्यादा सुंदर कथा सुनाती है लक्ष्मी, और नारायण का कथा में जितने रस है उससे ज्यादा रस से लक्ष्मी जब कथा सुनाती है। बोले क्यों। बोले ऐसे क्यों। बोले कारण है, रसगुल्ला में क्या मीठा है ये रसगुल्ला को पता नहीं, लेकिन ये पता किसको है, ये पता है जो रसगुल्ला खाते है। उसी तरह नारायण तो भगवान है, लेकिन नारायण में क्या आनंद है ना, ये नारायण को पता नहीं, ये पता माँ लक्ष्मी को, इसलिए लक्ष्मी की कथा में और ज्यादा रस आता है। इतने में शंकर जी आए, बोले प्रभु ये
संहार का काम तो तमोगुण का काम है, ये तमोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले आप कथा सुनाओ और सुनो। जब शंकर जी ये भागवत कथा सुनाते ही, कल हम सुन रहे थे ना, ये अमरनाथ में शंकर जी पार्वती को ये सबसे पहले अमरनाथ में कथा सुना। इसलिए शंकर जी जब कथा सुनाते ही एक साल तक सुंदर रूप में व्याख्या करते हुए कथा को सुना, एक साल तक, क्योंकि शंकर जी ये वैष्णव नाम जथा संभव परम वैष्णव शंकर जी है, इनकी ब्रदर प्रभु का कोई लीला ही नहीं होती। भगवान राम रूप में आए तो शंकर जी हनुमान बन करके आए, जब कृष्ण रूप में आए गोपीश्वर महादेव रूप में, फिर महाप्रभु का रूप में आए तो अद्वैत आचार्य बन करके आए। इसलिए ये परम वैष्णव है, बड़ी सुंदर रूप में कथा को व्याख्या करते हुए सुनाते हैं। जब शंकर जी की कथा विश्राम हो जाए फिर माँ पार्वती कथा सुनाते, पार्वती ये कथा को इतने सुंदर व्याख्या करती हैं, उनको तो 2 साल लग जाते हैं, उनको 2 साल लगती है कथा को विश्राम करने के लिए, क्योंकि जो पार्वती ये वैष्णवी थी, पार्वती ये माँ वैष्णवी पार्वती, आप लोग गए हो वैष्णवी देवी, कौन कौन वैष्णवी देवी दर्शन किए? देखो ये वैष्णवी देवी कैसे बनी, बोले एक समय कोई एक संत निवारक संप्रदाय के संत माता वैष्णवी देवी को दर्शन करने के लिए गए, बोले सवेरे दर्शन करके रात को उनकी पास में किसी घर में रुक गए। पहले वहां पर बलि चढ़ती थी, ये बकरियों का बलि चढ़ती थी। जब ये संत सवेरे उठे, अभी बकरियों का बलि चढ़ रहा था और मैं भे कर रहे थे, बड़े चिल्ला रहे थे, इतने में उस संत ने कहा भैया ये आवाज कहाँ से आ रही है? बोले माता जी को पास में ये बलि चढ़ती है, ये बकरी की बलि चढ़ती है। इतने में उस संत ने कहा ये माँ नहीं, ये राक्षस है, माँ कभी बच्चों को खा सकती है कभी? ये चंडी ये राक्षस नहीं, हम माता जी को दर्शन करने नहीं जाएंगे, चलो हम वापस चलते हैं। हम सोच रहे थे माता जी को दर्शन करें, जब वो संत वापस चलने लगे, फिर माँ देवी ने वो जो पुजारी है ना, पुजारी को बताया, बोले खबरदार देखो एक संत आ रहे हैं यहाँ पर, वो वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग मेरे को बलि चढ़ाते हो, आज से यहाँ पर कोई बलि चढ़नी नहीं चाहिए, अगर यहाँ पर जो बलि चढ़ाएगा उसको वंश समेत में खत्म कर दूंगी, जाओ वो संतों को बुला करके लाओ। और वो संतों को बोले मेरी गले में तुलसी की माला डाल करके जाए और मेरे कान में कृष्ण मंत्र दे करके जाए। माँ स्वयं स्वप्न दी, फिर उन्हें भागते भागते गए, वो संतों को बोले भैया ने हमें ये बात बताए, अब उनकी गले में तुलसी की कट्ठी पहनाओ और उनको कान में कृष्ण मंत्र दे करके जाओ। फिर वो संत वापस आए, माता जी की दर्शन की, गले में तुलसी कट्ठी डाले और जो गोपाल मंत्र उनको कान में मंत्र दिए, तभी से ये माता जी का नाम पड़ गई वैष्णवी देवी। वैष्णवी देवी मतलब क्या? जो भगवान विष्णु को आराधना करती है। इसलिए अभी जाओगे ना, देखोगे माता जी की गले में तुलसी की कंठी देखोगे, माता जी गले में तुलसी माला पहनते हुए देखोगे। इसलिए तब से इनके नाम पड़ गई श्री वैष्णवी देवी। इसलिए जब श्री माता पार्वती ये कथा सुनाती है, शंकर जी जितने सुंदर व्याख्या करते हैं उससे भी ज्यादा सुंदर व्याख्या करती हैं ये माता पार्वती व्याख्या करती हैं। इनको 2 साल लग जाती हैं ये भागवत कथा को व्याख्या करके पूर्ण करते हुए। इसलिए देखो ये भागवत कथा की कितने महत्व है, ये भागवत की प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भागवत कथा से विष्णु स्वयं जगत को पालन करते हैं और स्वयं श्री शंकर जी जगत को जो संहार करते हैं, ये भागवत कथा की प्रभाव से ही ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना, ये भागवत की प्रभाव से सब कुछ हो रहे हैं, सब कुछ भागवत प्रभाव से। बोले श्रीमद् भागवत कथा जय जय श्री राधे। तब लास्ट में कहते हैं भैया भागवत जो कथाएं कहते श्रोता 2 तरह की, कल मैंने बताया था, आज हम पूछेंगे देखूंगा किसको याद है, कहते एक श्रेष्ठ श्रोता, एक प्रबर, एक अवर।
प्रबर मतलब श्रेष्ठ श्रोता चार ही तरह की, बताओ किसको याद है, कोई एक बताओ। हंस मेला, कोई बताओ तुम लोग, कोई बताओ कल कम कथा सुने थे, बोलो बोलो, अरे बैठ करके बोलो ना, कल कथा में ठीक नहीं, हाँ बताओ श्रेष्ठ श्रोता में क्या क्या है। एक है हंस है, बोले हंस क्यों बताए, बोले हंस का एक विशेष गुण है, जब हंसों को आप दूध दो ना, वो दूध दूध तो पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, इसलिए हमें कथा हंस जैसे सुनो, अच्छे वस्तु को स्वीकार करो और गंदी वस्तु को त्याग दो, पहला नंबर। दूसरा नंबर कौन बोलेगा, बोलो बोलो कौन बोलेगा, मछली, हाँ ठीक है मछली भी है, बोले मछली को साथ में क्यों उदाहरण दिया, अब मछली देखे होंगे उसका आंखों का जो पलक है वो कभी झपती नहीं, वो हर समय अपलक नयन में कभी दूध को पीती रहती है समुद्र की, कभी खीर समुद्र में, उसी तरह कथा कैसे सुननी चाहिए, मछली जैसे सुनो, मतलब क्या अपलक नयन, मतलब पलक झपनी नहीं चाहिए, कथा सुनते समय कथा की एक अक्षर भी हमें से चुप नहीं जाए, इसलिए ये मछली को साथ में उदाहरण दिया। तीसरा मधुमक्खी, एक मक्खी और एक मधुमक्खी, ये मक्खी क्या करता है, देखना गंदी चीज में बैठेगा, अच्छी चीज में नहीं बैठेगा, वो गंदी चीज ढूंढता है, और मधुमक्खी क्या करती है, भले ही कांटा वृक्ष में कहीं फूल क्यों नहीं हो, देखना वहां भी बैठे करके वहां से वो शहद ग्रहण कर लेता है, उसी तरह हमें मधुमक्खी बन करके हर जगह से अच्छे अच्छे चीज को लो, और जैसे कि मधुमक्खी छत्ता बना देती है, छत्ता बना देती मधुमक्खी की, ऐसे ही हमें एक मधुमक्खी की छत्ता बना देनी चाहिए, इसलिए तीसरा नंबर, बोले चौदह नंबर, चौदह नंबर, हाँ चातक, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने याद रखा, इसलिए ये चातक है, बोले ये चातक का एक विशेष गुण है, ये किसी तालाब नदी का कोई भी पानी नहीं पिएगा, वो पिएगा तो स्वाधी नक्षत्र का पानी, इसलिए वो हर समय बोलता है प्यासा हूँ प्यासा प्यासा, बोले एक समय गंगा किनारा में कोई एक वृक्ष था, एक चातक पक्षी वहां पर बैठा था, एक बहेलिया ने उसको बाण मारे, बाण मारते ही बाण उसको छाती में भेद कर गया, लेकिन गिरा गंगा पानी में, गंगा पानी कितने पवित्र है, लेकिन गंगा पानी में गिरते ही मुंह बंद कर दिया, मुंह नहीं खोला, बोले क्यों, बोले पीऊंगा तो स्वाद नक्षत्र का पानी, भले ही गंगा पानी कितने पवित्र क्यों नहीं हो, पीऊंगा तो स्वाद ही नक्षत्र का पानी पीऊंगा, मतलब है हम पिएंगे कथा सुनेंगे तो ठाकुर जी की ही कथा सुनेंगे, दुनियादारी कोई बात तो हम नहीं सुनेंगे, इसलिए चार तरह का श्रेष्ठ श्रोता है, उसमें और एक भी बताया तोता, ये तोता की एक विशेषत्व है, किसी कच्चा फल में कोई चोंच नहीं मारेगा, उसको पता कौन सा कच्चा फल और कौन सा मीठा फल, वो चोंच मारेगा तो पक्का फल में ही चोंच मारता है, मतलब क्या है भैया, मुंह जहां तक नहीं मारनी चाहिए, ऐसे नहीं उसकी छोरी ऐसे कर रहा है, उसका बेटा ऐसा कर रहा है, उसको घर में लड़ाई झगड़ा बैठ करके सारा दुनिया की गप्पे उल्टा पुल्टा गप्पे मारो, नहीं भैया, इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं आनो कथा ना कहिबे, आनो कथा ना सुनिबे, जदी मिलिबे आने, अगर किसी दूसरे से मिले तो भगवान की कथा छोड़ करके कुछ बोलना नहीं और कुछ सुनना नहीं, इसलिए महाप्रभु कहते हैं जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारे आज्ञाए गुरु हरिया तार एक, जिसको देखो उसको प्रभु की कथा सुनाओ, हरी चर्चा सुनाओ, इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को कहते, बोले पार्वती बोले मंजन शंकर जी कहते पार्वती अगर ये प्रभु की कथा रूपी गंगा में अगर कौआ अगर गोता लगाए ना वो कोयल बन जाते हैं, आप लोगों ने कौआ देखे हो, कौन कौन कौआ देखे, अब बताओ तो कौआ का रंग कैसे काला, कोयल देखे हो, मतलब कोयल का रंग कैसे काला है, लेकिन दोनों का रंग तो काला है,
लेकिन अगर कौआ बैठ करके का 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 करने लग जाए ना, कान दर्द हो जाता है, बोले कब से बैठ कर का का कर रहा है। लेकिन जब बसंत ऋतु में कोयल जब कुहू मीठी मीठी बोली बोलती है, बोले वाह कितना मीठी आवाज है। शंकर जी कहते पार्वती अगर कोई कथारूपी गंगा में गोता लगाए ना, कौआ नहीं रह जाएगी, वो कोयल बन जाएगी। मतलब क्या है, वो दुनिया की कोई बात नहीं करेगा, बात करेगा तो ठाकुर जी की वो बात करेगा। और बकौ मराला बगुला देने हो, बगुला ग्रंथ कैसे सफेद, और हंस देखे हो, हंस का रंग कैसे सफेद। शंकर जी कहते पार्वती कथा रूपी गंगा में स्नान करेगा ना, वो बगुला नहीं, वो राज हंस बन करके मानस सरोवर में कमल का मधु को आस्वादन करता है, वो मधु को पान करता है। मतलब क्या है, बोले भगवत कथा भगवत नाम भगवत भक्ति रस में वो सराबर हो जाता है। इसलिए कहते कथा कैसे सुननी चाहिए, सुननी चाहिए हंस चातक मछली और तोता जैसे, ये भागवत कथा को हमें सुननी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत को प्रारंभ करते हैं, वो प्रारंभ से पहले वो तीन श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण करते हैं। बोले भैया मंगलाचरण मतलब क्या, बोले मंगलाचरण मतलब है कोई भी काम करो और मंगलाचरण को पहले बोल करके करो ना, वो काम तुम्हारी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगी, काम में कोई बाधाएं नहीं आएगी, इसको कहते हैं मंगलाचरण। तो उन्होंने तीन श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण किया। ये जो तीन श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है, आप जितने ग्रंथों को पढ़ो सारे ग्रंथ में आपको तीन चीजें मिलेगी। बताओ तो क्या क्या तीन चीजें मिलेगी, पहला मिलेगा संबंध, दूसरे मिलेगी अभिधेय और तीसरा मिलेगा प्रयोजन। मतलब है भगवान के साथ में हमारे नाता क्या है, दूसरी मिलेगी प्रभु को हम प्राप्त कैसे करेंगे, और तीसरा मिलेगा आपको मिलेगा क्या, प्रयोजन क्या, लक्ष्य क्या है। ये तीन श्लोक में ये तीन चीज को यहाँ पर बताया। जो पहला श्लोक है, बोले भैया नाता जोड़े तो किससे नाता जोड़े, बोले भैया सबसे नाता मत जोड़ा कर, नहीं तो दुख दुख मिलेगा। इसलिए नाता किससे जोड़े, बोले सत्यंग परम धीमहि, वो जो परम सत्य है वो परम सत्य भगवान गांगे बिहारी कृष्ण से ही नाता जोड़ो, और किससे नाता मत जोड़ो जोड़ो है, फिर तो दुनिया में रोते रहोगे। इसलिए बोले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए बोले, इसलिए जो ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जीवन में सुख तो ढूंढते हैं लेकिन सुख कहाँ ढूंढते हैं, ये दुनियादारी, इसलिए उसको सुख नहीं मिलता है, पर ढूंढनी कहाँ चाहिए, बोले ब्रह्म में, भगवान में सुख ढूंढो, वो सच्चिदानंद स्वरूप है और उनकी भक्ति से ही तुमको सत्चित आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए वो परम सत्य को हम जान करते हैं, कहते ये कौन है, बोले भगवान कृष्ण है। तब यहाँ पर हमारे श्री रसिक टीकाकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, बोले क्या केवल कृष्ण को भक्ति करें और किसको नहीं, बोले नहीं केवल कृष्ण को भक्ति नहीं, बोले सत्यंग परम धीमहि, ये जो परम सत्य है, बोले देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका प्रादेवता, ये जो परम सत्य है कृष्ण जी की जो पराशक्ति श्रीमती राधा जी को साथ में कृष्ण को भक्ति करो। इसलिए देखो कृष्ण की तीन तरह का सखियां है, कितने तरह का सखियां, कितने तरह का सखियां है, बोले तीन तरह का है। कहते ऐसे कुछ सखियां है जो केवल कृष्ण को प्रेम करती है, ऐसे कुछ सखियां है जो कृष्ण को भी प्रेम करते राधा जी को भी प्रेम करते हैं, ऐसे कुछ सखियां जो केवल राधा जी को ही प्रेम करती और किसी को प्रेम नहीं करती। बोले भैया फिर कृष्ण को प्रेम करनी चाहिए और किसी को नहीं, राधा जी को प्रेम करनी चाहिए और किसी को नहीं, बोले नहीं, जो राधा जी को प्रेम करती है ना वो पूर्ण रूप में कृष्ण से वह उसे ही प्राप्त होता है।
पूर्ण रूप में कृष्ण सेवा उसको ही मिलती है। बोले क्यों क्यों मिलती है? बोले कारण है, अभी कृष्ण को क्या चाहिए, कृष्ण किसी में प्रसन्न होते हैं ये चीज किसको पता है? बोले राधा रानी को पता है। इसलिए राधा जी की अनुगत में अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे ना, हमें कृष्ण भक्ति पूर्ण रूप में कृष्ण भक्ति मिलेगा। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं, राधिका और दास जति हय अभिमान शीघ्र मिले तबे गोकुल गान। कृष्ण तुमको कब जल्दी जल्दी मिलेगा? अगर तुम्हारे अंदर में ये अभिमान हो, हम श्री किशोर जी की दासी है, श्री राधा रानी की दासी है, फिर तो तुमको जल्दी से जल्दी कृष्ण प्राप्त होगा। नहीं तो भैया वो टेढ़े टांग वालों को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। तो तीन जगह में टेढ़ी है, उनका नाम भी टेढ़े है, उनका धाम भी टेढ़ा, सब कुछ उनको टेढ़ा ही टेढ़ा है। इसलिए बोले तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, गोकुल तेरी टेढ़ी, जमुना तेरी टेढ़ो, टेढ़ो रे टेढ़ी तेरी जसोदा डुगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। कृष्ण का सब कुछ टेढ़ा है, लेकिन हमारे जो किशोर जी राधा रानी, ये बड़ी सिद्धि है। राधा रानी बड़ी सिद्धि और राधा रानी बड़ी दयालु। इसलिए आप वृंदावन में जाओ ना, आप किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते हुए नहीं मिलेगा वहां पर। क्या बोलते हैं जोर से बोलो, और जोर से, वहां पर सबके सब श्री राधा रानी के नाम लेते हैं। बोले क्यों? बोले राधा रानी की कृपा होना, इसलिए बोलते हैं ना, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी बोली वाली चंचल बिहारी, राधा रानी बोली वाली चंचल बिहारी, जो हुए जिसने ये गौड़ीय मठ को पहले स्थापित किया, वो कहते हैं बोले भैया केवल राधा कृष्ण की नहीं, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु को ये श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो सत्यंग परम धीमहि, वो परम सत्य को हम जो ध्यान करते हैं, वो पहले किस रूप में थे? बोले पहले वो एक थे। इसलिए वेद कहता है एक अपि बहुश्याम, वो पहले एक थे। जब गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे भगवान खड़े हैं, सोच रहे हैं भैया अकेले स्वरूप में तो लीला कर नहीं सकता हूँ, अगर कोई खेलना चाहे संसार करने चाहे अकेला थोड़ी होता है। इसलिए प्रभु जी सोच रहे हैं मैं लीला कैसे करूँ, वो अकेले थे। तब उनकी इच्छा हुई रास करने के लिए, लीला करने के लिए।
तब उनकी वाम अंग से श्री राधा रानी प्रकट हुई और रास से प्रकट हुई इसलिए रा पड़ा और प्रकट होकर के सुंदर सुंदर पुष्प चयन करके कृष्ण की सेवा के लिए धावित हो गई, इसलिए उनका नाम पड़ गया राम और उद्धव। इसलिए पहले जब वो एक थे फिर कौन थे, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में थे, जो बाहर में वो तो श्री राधा जी के अंग कांति को लेकर के आए, लेकिन अंदर में कृष्ण, अंतर कृष्ण बहिर्गौरव, ऊपर में गौरव और अंदर में वो कृष्ण, जब वो एक थे बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का रूप में थे, जब उनकी लीला करने के लिए इच्छा हुई तब तो राधा कृष्ण रूप में प्रकट हो गए, जब और लीला करने के लिए इच्छा हुई तब राधा रानी की एक एक भाव ही एक एक गोपी रूप धारण करती है और कृष्ण से बलदेव प्रभु प्रकट हुए और जितने धाम जितने उनकी सखा यहाँ से प्रकट हुए, फिर तो प्रभु ने सुंदर लीला की है। इसलिए जो पहला जो श्लोक है बोले ध्यान है, बोले किसकी ध्यान करो, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि भगवान श्री महाप्रभु का हमें ध्यान करनी चाहिए। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि बोले जो दूसरा श्लोक है कहिए प्रतिज्ञा वा अभिधेय। अभिधेय मतलब होता है हम भगवान मिलेंगे कैसे, हम देखो कहते केवल ये भागवत कथा से प्रभु को मिलेंगे, इसलिए एक श्लोक में उन्होंने तीन अंतर शब्द प्रयोग करते हैं। बोले भागवत में क्या है, बोले वेद्य वास्तव मंत्रम, ये भागवत में वो वास्तव सत्य जो भगवान की कथा जिसमें और जिसमें धर्म प्रजीत कैतव अत्र, जिसमें कोई कपटता धर्म नहीं, जिसमें विशुद्ध रूप में भगवान की प्रेम की बात बताए। और तीसरा जो अत्र है ये भागवत कथा की इतने महत्व, जैसे ठाकुर जी के मंदिर में कथा हो रही है, अभी आप घर में कथा में नहीं आए, घर में बैठे हो, आपको पता चला भैया कथा हो रही है, अगर मन में इतनी सी किसकी इच्छा हो गई मैं कथा सुनने जाऊंगी नहीं तो जाऊंगा, घर में बैठे हो कथा में नहीं आए, घर में बैठे हो इतनी सी अगर किसकी इच्छा हो गई, बोले सत्य हृदय अवरुद्ध अत्र, उसी समय में ही भगवान आकर उसके हृदय में ऐसे अवरुद्ध हो जाते हैं, ऐसे भगवान फंस जाते हैं, जैसे मानो एक व्यक्ति किसी घर में घुसे और अपने आप को कुंडी बंद करके अपने आप को बंद कर दे, केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र से ठाकुर जी उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है, बोले एक ही उपाय है, केवल आओ और भागवत कथा सुनो, केवल कथा सुन लो। इसलिए परीक्षित महाराज ने कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई ज्ञान तपस्या दान पुण्य कुछ नहीं किए, केवल कथा सुनते 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 उनकी भगवत प्राप्ति हो गई। धुंधुकार जैसे पापी कहते 100 बार जिसको पिंड देने पर भी मुक्ति नहीं हुई, केवल ये भागवत कथा से उसको मुक्ति हो गई। इसलिए भगवत प्राप्ति का जो अभिधेय है भागवत कथा सुनना। बोले भैया प्रयोजन क्या है, ये भागवत कथा सुनेगा तो हमें मिलेगा क्या, हम किस लिए ये कथा सुन रहे हैं, बोले ये जो भागवत है ये भागवत कथा नहीं, बोले निगम कल्प तरु गलित फल, ये कथा नहीं सुन रहे हो, कहते ये कल्प वृक्ष को नीचे बैठ गए। बोले भैया कल्प वृक्ष का मतलब क्या है, बोले जो मांगोगे वही मिलेगा, जो मांगोगे ये भागवत से जो कुछ मांगोगे, इसलिए पद्म पुराण में बताया जो दुखी उसे सुख प्रदान करता है, जो निर्धन उसे धन प्रदान करती है, जो रोगी उसको निरोग प्रदान करता है, हैं? जो दुखी उसे सुख प्रदान करता है, जिसको संतान नहीं उसको संतान प्रदान करता है। इसलिए बोले अकाम सर्व काम बा मोक्ष काम उदारधी ति प्रेण भक्ति जो वेन जजेत पुरुषम पर। बोले अकाम, अकाम मतलब अगर किसकी मन में कोई इच्छा नहीं, बोले सर्व काम जिसके अंदर में सब कुछ इच्छा है, हमें दुनियादारी स्त्री पुत्र परिवार हमें सब कुछ चाहिए, वा मोक्ष काम अगर कोई संसार बंधन से निकल करके भगवत प्रेम को पाना चाहते हैं, तो ये भागवत से जो कुछ मांगोगे ना ये भागवत आपको सारी इच्छाओं को 7 दिन में ये पूरी कर देती है ये भागवत। इसलिए ये कथा नहीं सुन रहे हो, ये कल्प वृक्ष पर नीचे बैठे हो,
जो मांगोगे वही ये दर्द आपकी प्रदान करेगा। लेकिन एक चीज के सावधान करते हैं, बोले भैया भागवत में छोटे मोटे चीज मत मांगा करो, छोटे मोटे चीज मांगोगे तो देख करके भागवत घर आपसे सरक जाएगी। लेकिन ऐसे एक चीज मांगो ना, जो एक चीज मांगो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो वो क्या है, बोले ठाकुर की चरण की सेवा मांगो, उनसे भगवान की प्रेम और भक्ति मांगो। जो प्रभु प्रेम अगर भक्ति मांगोगे ना, बस भगवान तुम्हारी प्रेम में वशीभूत हो गए। इसलिए श्री हनुमान जी को भगवान राम जो बोले बेटा बर मांगो, हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले बार बार बर मांगो हरसी ते हो श्री रंगम पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। आप लोग रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखे हो, टीवी में सीरियल में रामायण ही नहीं देखे। अब देखना जब माता सीता को उद्धार करके लाए भगवान राम, बोले हनुमान अगर तू नहीं होता ना, ये सीता को पता लगाना बड़ा कठिन था और उद्धार होना बड़ा कठिन था। आज तेरे ऊपर मैं आज इतने प्रसन्न हूँ, आज जो कुछ मांगोगे मैं तेरे दे सकता हूँ, मांग लो जो इच्छा भर करके। अगर हमें कोई बोले ना जो कुछ मांगोगे, हम क्या मांगेंगे, ये दुनियादारी चीज मांग लेंगे। लेकिन हनुमान जी हैं, हनुमान जी तो बड़े बुद्धिमान है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, बोले प्रभु हमें केवल एक चीज दो, बार बार बोले एक बार नहीं बार बार बर मांगो हरसी देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्त सदा सत्संग। हमें संतों की संगत हो और अहेतु की भक्ति प्रदान करो। आप रामायण देखे होंगे, जब भगवान राम जब हनुमान के सर पर हाथ रखते हैं, आप देखे होंगे कैलाश में शंकर जी को दिखाई, कहते हनुमान जी कौन, ये शंकर जी, शंकर जी ये हनुमान बन करके आए। जब प्रभु राम आशीर्वाद कर रहे हैं कैलाश में, शंकर जी को दिखाया, शंकर जी इतने प्रसन्न हो रहे थे, इतने प्रसन्न हो रहे थे। पार्वती वहां पर बैठी हुई, बोले पार्वती देखो आज ठाकुर मेरे ऊपर में कितने कृपा कर रहे हैं, अपना भरत हस्त को मेरे सर पर रखे हैं, आज मेरी जीवन धन्य हो गया है, ठाकुर जी हमें भक्ति प्रदान कर रहे हैं। ये कौन, ये शंकर जी सत्यम शिवम सुंदरम, ये शंकर ही प्रसन्न हो गए, क्यों कि हनुमान जी शंकर ही है। इसलिए कहते हैं जो श्रीमद् भागवत है हमें प्रदान क्या करता है, बल्कि कल्प भी कहे ये भगवत प्रेम को ये प्रदान करता है। इसलिए निगम कल्प तरूर गलितम फल, ये भागवत क्या है, बल्कि ये पक्का हुआ फल है। देखो फल दो तरह के होता है, फल दो तरह के होते हैं, जैसे आम का फल, आम जैसे अभी पका नहीं कच्चा अवस्था में उसको तोड़ करके ले आओ, लेकिन एक आम अपने आप वृक्ष में पक गया और थोड़ी सी हवा की झोंक आते ही गिरा, बताओ तो दोनों आम में सबसे बढ़िया मीठा कौन सा लगेगा। जो कच्चे अवस्था में ला करके गर्म में पका दिया वो अच्छा लगेगा ना, पेड़ में जो पका हुआ आम को अच्छा लगेगा, बोलो जोर से। इसलिए बोले गलितम फलम, इसको जोर जबरदस्ती इसने तोड़ा नहीं, ये पेड़ में पका हुआ फल, फिर तक एक तो पका, बोले सुखा मुखात अमृतम, फिर इतने में जो तोता ने उसको चोंच मारा। इसलिए कहावत है अगर जिस फल में तोता चोंच मार लेता है ना, उसमें ज्यादा मिठास आ जाती, उसमें ज्यादा मिठास आती है। दूसरा है कि जो तोता में एक विशेष गुण है, वो कच्चा फल में चोंच नहीं मारेगा, वो उसको पता भैया कच्चा फल कौन और पका हुआ फल कौन, इसका मतलब भागवत पका हुआ फल है। फिर इतना नहीं कि अगर कोई फल ऊपर पका हुआ अगर गिरा ऊपर से, फिर क्या होगा, वो फट जाएगी, बोले फटा नहीं, बोले फिर वो जितने नीचे आता रहा ना उतना मीठा 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 मीठा, बोले कैसे, बोले ये फल सबसे पहले कौन खाए, बोले भगवान कृष्ण खाए, फिर वो फल को दिया किसको, बोले ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी फल को खाए, उसको बाद में फिर किसको, बोले नारद जी को दिया, फिर नारद जी फल को खाए, फिर उन्होंने किसको, बोले श्री उन्होंने व्यास देव को दिया वो भी खाए, फिर व्यास देव ने किसको, बोले सुखदेव गोस्वामी को दिया वो भी खाए, फिर सुखदेव गोस्वामी को किसने दिया, बोले परीक्षित महाराज को वो भी खाए। वो फल जितने नीचे आता गया ना, वो सबका आधार अमृत उसमें लगते गया,
सबका अधरा मृत लगत गया और लास्ट में जो खाए ना ये सबकी अधरा मृतों को लास्ट फल में। इसलिए जो सबसे जो नीचे है उसको सबसे ज्यादा जो आस्वाद बस सबसे ज्यादा लाभ जो सबसे नीचे उसको पाया है। इसलिए बोले सुख मुखात अमृतम, ये जितने नीचे आती गई उतना उसमें रस आता गया, ये गुरु परंपरा में आई है इसलिए ज्यादा सा मीठा है। इसलिए भैया क्या करो, बोले पी बतम, इसको खूब पियो। फिर प्रश्न करते हैं, आप लोग को बताओ फल को खाते हो ना फल को पीते हो, बताओ पीते हो ना खाते हो, खाते हो। बोले भैया आपने बोल दिया पियो, ये तो फल आपने बता दिया, ये ऐसे का फल है जिसमें गुठली भी नहीं जिसमें छिलका भी नहीं जिसमें रसी रस है, और ये ऐसे के दिव्य फल है जिसको मुंह से नहीं पी जाती है जिसको कानों से पी जाती है। जैसे अभी रस को पी रहे हैं आप, बताओ किधर से पी रहे हो, मुंह से ना कानों से, बताओ किधर से पी रहे हो, कानों से। ये ऐसे रस जिसको मुंह से नहीं पी जाती कानों से पी जाती है। देखो मुंह से पीने का और कानों को पीने में फर्क क्या है, अब कोई भी चीज आप मुंह से पियो वो नीचे निकलेगा, अब रख नहीं सकते अंदर, वो निकलेगा नीचे, लेकिन कानों से जो चीज पियोगे ना वो निकलेगा नहीं, वो अंदर धरेगा। इसलिए कहते हैं ये रस को मुंह से मत पिया करो, ये रस को कानों से पिया करो। इसलिए पी बदम ये रसमालयम, बोले भैया इसको तो हम पीते हैं लेकिन निकल जाती है ठहरती नहीं, क्योंकि हमारे अंदर में बहुत सारी छेद है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, हमारे अंदर में छेद ही छेद है, वो तो सब निकलती जा रही है निकलती जा रही है। फिर इसकी समाधान उन्होंने बताया, देखो आपसे एक प्रश्न करता हूँ, जैसे कि घड़ा हो जिसमें छेद ही छेद हो, अगर कोई पानी डालोगे तो निकल जाएगी, लेकिन ऐसे कौन सा उपाय है भले ही उसमें जितने छेद क्यों नहीं हो अगर उसमें पानी डालोगे ना एक बूंद भी नहीं निकलेगी, बताओ तो क्या उपाय है, पानी में डुबो दो। हाँ बताओ आप लोग सामने वाले बताओ, ऐसे कौन सा उपाय है भले ही जिसमें छेद क्यों नहीं वो कभी निकलेगा नहीं, उपाय क्या है, बोले अगर उसको पानी में डुबो करके रख लोगे ना फिर तो वो कभी निकलेगा नहीं भले जितने छेद क्यों नहीं हो। आपने बहुत अच्छी बात बताई, बोले मुहु रहो ये कथा रस में डूबे ही रहो, इसने निकलो मत, निकलोगे तब तो निकलेगा ना, पानी में अगर डूबे ही रहोगे निकलेगा कैसे। देखो इसकी प्रमाण देखो, जैसे हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह सबका हृदय में है, सभी के हृदय में है काम क्रोध लोभ मोह। जैसे हम यहाँ कथा सुन रहे हैं आपको कोई काम सता रहे हैं ना कोई क्रोध सता रहे हैं ना कोई लोभ सता रहे हैं ना कोई मोह कोई सता रहे हैं, कोई साल चीज को हम भूल कर बैठे हुए, लेकिन केवल ये कथा से गेट से बाहर निकलो फिर काम क्रोध लोभ आकर झट हमें आक्रमण करेगा। इसलिए अगर हर समय कथा में डूबे रहेंगे तो ये काम क्रोध हमारी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बोले भैया ये रस को कौन पी सकते हैं, बोले दो व्यक्ति ये रस को पी सकते हैं, एक भावुक है और एक रसिक है, केवल यही दो व्यक्ति ये कथा रस को पी सकते हैं। इसलिए शंकर जी इसलिए कहते हैं पार्वती को, बोले पार्वती कथा कौन सुन सकते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा Bye.
वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, मतलब वेद भी
कृष्ण की अधरामृत को पाने के लिए, गोपी भाव को पाने के लिए भी कठोर तपस्या की। इसलिए भागवत जो तीसरा जो श्लोक में आशीर्वाद है, भागवत हमें क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं ब्रज की गोपियां जैसे भक्ति की, ये भक्ति सर्वोपरि भक्ति, उद्धव जैसे व्यक्ति भी जिनके चरण की एक धूल को वंदना करते हैं। बोले श्रीपद भागवत कथा अमृत की जय, जय श्री राम। बोले ओम नमिसे अनिमिष चित्रे ऋषयः सोमकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासते। अभी एक घोर कलयुग आया, कलयुग को देख करके सोमकाद ऋषि लोग डर गए, ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले ये कलयुग से हम बच्चे कैसे। ब्रह्मा बोले मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहाँ गिरेगा समझो बढ़िया पवित्र स्थान, वहीं पर बैठ करके भजन करो। वो चक्र जा करके नैमिषारण्य में गिरी। नैमिषारण्य गए कौन कौन? नैमिषारण्य गए हाथ उठाओ तो। नैमिषारण्य कौन कौन गए भगवान? कोई गए भैया? कौन जाना चाहते हैं बताओ? कौन जाना चाहता आप सबको ले चलेंगे। नैमिषारण्य मतलब है जहाँ पर एक नैमिष समय भी बर्बाद नहीं, वहां जहाँ पर गंगा बड़ी सुंदर गंगा कलकलनाद से बह रही है, वो चक्र जहाँ पर गिरा एकदम पाताल में प्रवेश कर गई और वहां पर हर समय पानी 24 घंटा वहां से पानी निकल गई, बड़ा पवित्र स्थान, वहां स्नान करने का बड़ा महत्व। गुरु जी को साथ में हमारे जो गुरु जी भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी पर उन्होंने बस लेकर के सब स्थान में गए थे, हम गुरु जी को साथ में वहां पर दर्शन करने के लिए गए थे। इसलिए वहीं पर सोमनाथ ऋषियों ने बड़ी दिनों से कठोर तपस्या और यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ करते 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 उनको दाढ़ी मोच और उनके हृदय तक भी जल गई, लेकिन मन में शांति नहीं मिल रहा था। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुत गोस्वामी आए, इनका नाम उग्र सभा सुत है और एक लोमहर्षण सुत है। मतलब एक समय श्री लोमहर्षण सुत ये कथा पुराण कथा सुना रहे थे ये ऋषि मुनियों को। श्री बलदेव प्रभु आए नैमिषारण्य, लेकिन बलदेव प्रभु को देख करके उन्होंने आदर नहीं किया, बोले आए बैठ जाएंगे कोई बात नहीं। हाँ देखो ये नियम बताए, अगर हम भागवत कथा कर रहे हैं, कोई भगवत कथा सुना रहे हैं, अगर कोई श्रेष्ठ वैष्णव आ जाता है ना, सबसे पहले वैष्णव का आदर दो, क्योंकि भगवान कहाँ बैठे हैं? संतों की हृदय में बैठे हुए। आगे हम कथा सुनेंगे। कहते श्री इंद्र दुम्न राजा की तपस्या कर रहे थे, वो भी ठाकुर को पूजा कर रहे थे, अगस्त ऋषि आए उन्होंने सम्मान नहीं किया, बोले आए बैठ जाएंगे भगवान को पूजा कर रहा। अगस्त ऋषि को क्रोध आया, बोले भजन तो कर रहे हो भक्ति तो कर रहे हो, लगता है किसी सुत वैष्णव के अनुगत में तुमने भक्ति नहीं सीखा। इसलिए कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े काक लाग पाऊं, बली हरी श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताऊं। अगर गुरु गोविंद खड़े हुए तो किसको प्रणाम पहले करो? ठाकुर को प्रणाम नहीं, पहले किसको करो? गुरु जी को करो। इसलिए श्री बलदेव प्रभु जब आए उनको उन्होंने आदर नहीं किया, बोले तू व्यास गद्दी पर बैठ के कथा कर रहे हो, कथा करने का तुझ योग्य नहीं। उठाया एक घास गला काट दी, हाहाकार मच गई। ऋषियों ने बताए प्रभु अभी हम पुराण की कथा किससे सुनूंगा? बोले कोई चिंता मत करो, उनका एक छोटा बच्चा 5 साल का था, उन्होंने इनके सर पर हाथ रखते ही उनके हृदय में ये सारे तत्व ज्ञान स्फुर्ण हो गया। 5 साल का बच्चा उन्होंने सारे पुराण को सुनाना शुरू कर दिया, ये श्री उग्र सभा सुत। इसलिए जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत कथा सुना रहे थे, ये सुत गोस्वामी सबसे पीछे बैठे थे, पीछे बैठ करके ये कथा सुन रहे थे, लेकिन उन सबको अंदर में केवल उनके हृदय में श्री सुखदेव गोस्वामी सारे तत्व ज्ञान को उन्होंने उनके हृदय में स्पूर्ण कराया। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कसरी सोनकाद ऋषि लोग जब उनको कहते हैं हे सुत गोस्वामी आप तो गुरु जी की कृपा से सब कुछ प्राप्त किए हो, आप कृपा करके हमें बताओ हमारे कल्याण कैसे होगा।
तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ कहते हैं, बोले भैया सूत का मतलब क्या है? बोले जो रथ चलाते हैं उनको सूत कहते हैं, ये छोटे जाति के लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिखा दिया भगवान की भक्ति में छोटे बड़े का कोई विचार नहीं, ये जात पात कुछ ना कोई हरि का बजा सो हरि का हुई। भक्ति में ये छोटे जाति ये बड़े जाति ये सब विचार नहीं है। हनुमान जी कौन से जाति में जन्म है? हनुमान जी कहते भैया मैं बंदर कुल में मेरे जन्म हुआ। सदर कोई बंदर का नाम लेना दिन भर उसमें भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन राम की कृपा के देखो सर्वत्र मेरी पूजा होती है। सबरी कौन सा जाति के? बोले सबरी जाति के, इसलिए बोले ना सबसे ऊंची प्रेम सवारी। इसलिए भगवान सबरी के झूठा बेर खाए बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सजा सगाई। प्रहलाद राक्षस कुल में, विभीषण राक्षस कुल में जन्म हुए, लेकिन जब राम दरबार लगता है भगवान राम विभीषण को बराबर आसन देते हैं। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं जात पात कुछ ना कोई हरि का बजा सो हरि का होई। इसलिए सौनकादि ऋषि लोग प्रश्न कर रहे हैं एक साधारण छोटे जाति के व्यक्ति को, बोले हे श्री सुत गोस्वामी ये घोर कलयुग है। बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मीन जुगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य जुप द्रुता। ये कली की दुर्दशा को वर्णना कर रहे हैं। बोले कली युग में प्राय करके लोग का परमायु कम है, सत्य युग में 100,000 साल जीता रहते थे, त्रेता युग आया 100,000 हो गया, द्वापर युग आ गया 1,000 हो गया, कली युग आ गया 100,000 कितना हो जाएगा? कितना होगा? 100। ये भविष्य पुराण में आया है जब घोर कली युग आएगा ना 100 से 100 कितना रह जाएगा? बोले 100 से 100 कितना होगा? 10। वह वर्णन आता है लोग इतने छोटे छोटे लोग हो जाएंगे, क्योंकि अभी हर चीज हाइब्रिड से बनता है, कोई आपको प्योर चीज नहीं मिलेगी। इसलिए धीरे धीरे लोगों का बीमारी ग्रस्त, धीरे धीरे लोग धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे, धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे। इसलिए सत्य त्रेता युग में ये नियम था जब तक वो पूरी परमायु नहीं हो जाए उसको पहले कोई नहीं मरेगा। लेकिन कली युग में हर रोज न्यूज पेपर पर कैसे कैसे लोग मर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी नियम नहीं, किसी समय में भी कोई मर सकता है। इसलिए कहे श्री सुत गोस्वामी आप तो गुरु जी की कृपा से सारे वस्तु को प्राप्त किया है ये कली युग में। बोले मंदा सुमंद मत, फिर कली युग का मन कैसे? पहले क्या होता था, लोग सब गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, घर घर में पढ़ते थे। बोले क्यों? बोले पहले ये इंटरनेट टीवी स्मार्टफोन हैं ये सब कुछ नहीं था, इसलिए लोग क्या करते थे, मंदिर में आते थे, कथा सुनते थे, सत्संग करते थे। अभी तो भैया इंटरनेट स्मार्टफोन ये सब आ गया, पहले एक चैनल था भी सारा दुनिया की चैनल। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे ये टीवी नहीं, ये कलयुग ये टीवी बन करके आ गई लोगों को भ्रष्ट करने के लिए। ये टीवी खोल कर बैठ जाओ सारी चीज यहीं पर देख लोगे, उल्टा पुल्टा सारी चीज यहीं पर बैठ करके देख लोगे। इसलिए फिर बोले छुपद्रुता, बोले छुपद्रुता मतलब क्या है? कहते कलयुग में अगर पत्नी अगर थोड़ी साधु संग में आए, थोड़ी सी अगर प्रभु का भजन भक्ति करना शुरू कर दे, माला करना, देखना पति बोलेगा भैया कौन सा बाबा की चक्कर तू पड़ गई, ये सब कंठी माला तिलक तुमने क्या लगा दी। अगर पति अगर कहीं साधु संग से आए, हरि कथा सुने, भजन करे, पत्नी बोलेगी कोई काम धाम नहीं, जब इच्छा देखो माला लेकर बैठ जाते हो। अगर बच्चा अगर भजन करे, बोले ये कोई तेरे उम्र है भजन करने का, अभी तो इसने कंठी माला तिलक अभी से क्या धारण कर लिया। लेकिन बेटा अगर पिता है ना सिगरेट फूंकता है, बोले वेरी गुड मेरा बच्चा बड़ा एडवांस हो रहा है, सिगरेट फूंक रहा है, शराब पी रहा है, लेकिन अगर माला पकड़े ना भजन कर तो बोले ये कोई उम्र है भक्ति करने का। इसलिए कलयुग में बोले भजन करना कलयुग में बड़ा कठिन है, इसलिए बोले छुपद्रुता। इसलिए आप कृपा करके बताओ ये कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। तब श्री सौनकादि ऋषि ने सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न किया है, और 6 प्रश्न का जो उत्तर है ना ये पूरी भागवत 6 प्रश्न का उत्तर।
अभी मैं बताऊंगा, 6 प्रश्न किया, कल आपसे सुनूंगा, देखूंगा कौन किसको याद है। जो जो बोलते हैं ना 6 प्रश्न किया, उसको मैं बढ़िया इनाम दूंगा, ठीक है? ध्यान दे कृष्ण। पहला प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिले? देखो हम जीवन में जो कुछ करते हैं ना, सब शांति के लिए। जीवन में जो कुछ पढ़ाई लिखाई जो कुछ करते जीवन में शांति सुख के लिए करते हैं। अगर हमारा पास में अथाह संपत्ति, दुकान मकान सब कुछ है, लेकिन अगर शांति घर में नहीं ना, वो चीज बेकार है। लेकिन अगर दो रोटी में अगर शांति मिलती है, ये सबसे बड़ी चीज, पिछले जगत में सबसे अनमोल वस्तु है शांति, जीवन में शांति। इसलिए इनका यही प्रश्न है, जीवन में हमें आत्मा को शांति कैसे मिले। दूसरी प्रश्न है, क्योंकि ये सब प्रश्न एक प्रश्न से लिंक है, लगा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या? देखो पहला प्रश्न से जुड़ा हुआ, बोले जीवन में शांति मिलेगी कैसे, बोले जीवन में जो भगवत प्राप्ति हुई, इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे अर्जुन, जब तक ये जीव ठाकुर जी की शरण में नहीं जाएगा, जब तक जीव को भगवत प्राप्ति नहीं हो, तब तक जीव को पूर्ण शांति मिल नहीं सकती है। लेकिन ये हमारा धारणा क्या जानते हो, जब ज्यादा पैसा अगर कमा देगा ना, शांति मिल जाएगी। अब अंबानी का नाम सुने हो, कौन कौन अंबानी का नाम सुने हो? अंबानी, आप देखना रोड में जो मजदूरी करता है ना, वो जितना चैन से सोता होगा, तब अंबानी को इतना चैन से नींद नहीं आती है, आपको विश्वास होता है? रावण का सोने की लंका थी, हमारे पास में कितना सोना होगा, 1 किलो होगा, कितना, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, इससे तो ज्यादा सोना नहीं होगा। लेकिन रावण का पूरा महल ही सोना ही सोना, सोना ही महल। फिर हम सोचते हैं, अगर कोई अच्छी छोरी से शादी हो जाए ना, शायद शांति मिलेगी। रावण का पत्नी का नाम था मंदोदरी, मंदोदरी मतलब जानते हो, मंद मतलब होता है पतली, कुदर मतलब कमर, जिसकी कमल कमर बहुत ही पतली थी, म्यूस इनवर्स होती, वो विश्वकर्मा की बेटी, विश्वकर्मा उसने सारे अच्छी अच्छी कुंभ दे करके उसने अपना बेटी को बनाई थी, इतनी सुंदरी। फिर रावण ने जहां सुंदरी सुंदरी मिले, रंभा और उर्वशी, मैंने कहा कहीं मिले, पकड़ पकड़ कर अपना बीवी बना कर लगा सुंदरी से। फिर सोचते हैं शायद बेटा हो जाएगा, शांति मिले। बेटा का नाम मेघनाथ, इंद्रजीत, इंद्र को जिसने परास्त किया, इतने बलवान, पिताजी के लिए उसने प्राण भी दे दिया, उसने प्राण को, इतने आज्ञाकारी बेटा, पता नहीं पर सवा लाख नाती कितना करोड़ पोता था उनका रावण की। लेकिन तब भी वो चैन से नहीं जी रहा था, लंका को अंदर में भी चैन से नहीं, वो बेचैन से जी रहा था। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति केवल चैन से जी रहा था, बोले कौन जी रहा था चैन से? श्री विभीषण। बोले क्यों? प्रभु राम की शरण में गया, ठाकुर जी राम की भक्ति करता था, इसलिए चैन से। इसलिए इनकी दूसरी प्रश्न है, कहते भगवत प्राप्ति का कलयुग में सबसे सरल उपाय क्या है। इनका तीसरा प्रश्न है, हमें कृष्ण की कथा सुना। लेकिन श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, बोले भैया कौन सा कृष्ण? बोले कृष्ण एक होने पर भी कृष्ण तीन, एक पूर्णतर और एक पूर्णतम। जब कृष्ण द्वारका में रहते पूर्ण, जब मथुरा में रहते पूर्णतर, वही कृष्ण जब वृंदावन में रहते पूर्णतम कृष्ण है। इसका मतलब हमें ब्रज का कथा, द्वारका, मथुरा की सब कृष्ण की कथा हमें सुना। इनका जो चौथा प्रश्न है, बोले केवल कृष्ण कथा नहीं, इनके जितने अवतारों का भी कथा सुनाओ। जैसे प्रभु राम रूप में आए रावण को मारे, नरसिंह रूप में आए हिरण्यकश्यप को मारे, बामन अवतार में आए, बलि महाराज को कृपा की। इसलिए हमें कृष्ण के सारे अवतारों का भी कथा सुनाओ। और जो पंचमा प्रश्न है, भगवान की जो बल विजय, भगवान की पराक्रम की कथा सुनाओ। जैसे कृष्ण जब 6 साल में थे पुतना कुमारी, 1 महीना में शकटासुर, 3 महीना में त्रिनाभ, 4 साल में बकासुर, 5 साल में अघासुर,
छह साल में काली के सर पर नृत्य की, सात साल में गिरिराज उठा लिया। इसलिए कृष्ण की पराक्रम की हमें कथा सुनाओ भगवान। जो छठवां प्रश्न है, भगवान जब ये दुनिया छोड़ करके चले गए, अभी कलयुग में धर्म कहां पर आश्रय लिया? इसलिए उनको ये छह प्रश्न की। अभी ये छह प्रश्न सुन करके सुत गोस्वामी की रोम रोम खिल उठा। बोले क्यों? बोले इन्होंने जो प्रश्न किया है ना, वो केवल भगवत संबंधी प्रश्न किया, कोई दुनियादारी की बात नहीं। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, जब किसी सच साधु के पास में जाते हो, अगर आप उसको प्रसन्न करना चाहते हो ना, अब ये दुनियादारी कोई बात मत करो, संसार की कोई बात मत करो, क्योंकि जो असली संत हैं वो 24 घंटा में 24 घंटा भगवत स्मरण में रहते हैं। जब हम ये दुनिया की बात करेंगे तो क्या होगा? उनको भगवत स्मरण को भुला दिया, उनको संसार की बात में लिया। लेकिन जो सही संत हैं वो जादू टोना नहीं करते, वो उल्टा पुल्टा बहुत नहीं देते, ये दुनिया की ये बात नहीं करते सही साधु। संतों का लक्षण कृष्ण खुद कहते हैं, मत कथा मत गता चिंता बोधयन्ते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कृष्ण अपना भक्तों का परिचय देते हैं, मेरे जो भक्त होते हैं केवल आपस में हरी चर्चा, मेरी कथा, मेरी चिंता, मेरे भजन में ये डूबे रहते हैं। इसलिए उन्होंने उनको छह प्रश्न केवल भगवत संबंधी थी, जिसको सुन करके प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो करके बोले, पहले में अपना गुरु जी की चरण की वंदना करते हुए अरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो उन्होंने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, बोले बंदाओं बोलो पाद पादो मां परागा, बंदाओं बोलो पाद पादो मां परागा, बंदाओं बोलो पाद पादो मां परागा, तुम्हारी पूजा सेवा निष्फल हो जाएगी। इसलिए बिनु गुरु भवन निधि तरई न कोई, जो बिरिंचि शंकर सम होई, तद ब्रह्मा शंकर जैसे हो जाओ। अगर सद्गुरु चरण आश्रय मत करो तद भव सागर से तर नहीं सकते। तो एक छोटी सी कथा सुनो। बोले एक समय पानी में एक एक चिड़िया रहता है। अब देखना, वो चिड़िया मछली पकड़ कर खाता है, लेकिन वो मछली पकड़ करके टायरेटे नहीं खाएगा, वो मछली पकड़ करके ऐसे फेंकेगा, फेंक करके फिर दो बार मछली को पकड़ेगा फिर खाएगा। उसकी ये एक कला है। एक व्यक्ति ने इसको देख लिया, वाह बड़ा सुंदर है, और बड़ी जोर से फेंक करके पकड़ लेता है। उसने उससे ये विद्या को सीख लिया, और उसने इसी विद्या को प्रैक्टिस करते 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 उसने क्या किया, एक चाकू बनाया लकड़ी की। वो चाकू लकड़ी का चाकू फेंकता है और उसको मुंह से पकड़ता है। ऐसे प्रैक्टिस करते करते कितने अच्छे प्रैक्टिस कर लिया, अभी लोहे का चाकू बनाया और ऊपर फेंकता है और झट उसको पकड़ लेता है। उसने उसको अपना बिजनेस रूप में बना दिया। जब देखता है बहुत सारे लोग है वहां पर, बड़े जोर से बाजा बजाएगा, जब लोग इकट्ठे हो जाएगा फिर वो खिला दिलाता है, उससे पैसा रोजगार करता है।
एक व्यक्ति ने इसको देख करके बड़े खुश हो गया, बोले वाह तेरे गुरुजी जो विद्या सिखाया, क्या अद्भुत तेरे गुरुजी विद्या सिखाया। उसने कहा मेरे थोड़ी कोई गुरुजी है, मैं तो अपने आप इसको सीख गया। लेकिन उसको गुरुजी कौन था बता? इसका गुरु था जो पानी में जो चिड़िया रहता है, वो वहीं से सीखा। इस जगत में देखना कोई भी चीज हो, शराब भी पीना हो, देखना कोई गुरु होता है। सिगरेट भी फूकना हो, कोई गुरु होता है। जो चोरी करता है देखना उसका भी कोई गुरु होता है। बगैर गुरु के कहीं ज्ञान ही नहीं मिलता। गंदे से गंदी चीज होगा देखना उसका जरूर कोई गुरु होगा। लेकिन उसका गुरु तो वो जो चिड़िया थी। इतने में बोला थोड़ी कोई मेरे गुरु, मैं तो अपने आप प्रैक्टिस करते करते सीख गया। एक व्यक्ति ने कहा भैया और एक बार तुम दिखाओ। उसने चाकू को बड़े जोर से ऊपर में फेंका, फेंक कर जब पकड़ने के लिए गया ना, इतने में वो चूक गया। चूक गया तो वो चाकू सीधा नाक को ऊपर गिरा, तो नाक ही कट गई। यहाँ पर सिखा देते हैं, बोले भैया जब तक इसी जीवन में सदगुरु नहीं होता है, तब तक जीव को भवसागर से पार नहीं। जब गंदे से गंदे काम की गुरु होता है, और भगवान कौन है? बोले अवांग मनस गोचरम, ये हमारे वाणी और बुद्धि से अतीत भगवान है। ये अधक सज वस्तु, अधक सज मतलब होता है अधा, मतलब नीचे, अखज मतलब होता है ये ज्ञान को, ये जड़ ज्ञान को जो नीचे करे, तो उसको ऊपर में जो विद्यमान है वो भगवान है। इसलिए भगवान राम तो भगवान है, लेकिन उन्होंने वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया। जब उनका राम का राज्याभिषेक हुई, श्री रामचंद्र क्या किया, सब कुछ लेकर गुरु जी भी शरण में दे दिया। बोले गुरु जी आज से राजा आप ही हो, सब कुछ लो। गुरु जी ने कहा देख बेटा, मैं राज्य तो मेरे को दे दिया, लेकिन राज्य फिर मैं तेरे को दे रहा हूँ। अभी राज्य को तू गुरु जी का मान करके सब कुछ काम करना। इसलिए देखना भगवान राम कोई भी काम करते थे पहले श्री वशिष्ठ जी से परामर्श लेकर करते थे। इसलिए उनका सारी काम बढ़िया बढ़िया होता था, सब काम उनकी बढ़िया बढ़िया होता था। जैसे कृष्ण है ये भगवान है, लेकिन जब वो पढ़ने के लिए गए शांति बनि आश्रम में, ठाकुर स्वयं जाते हैं और उनकी सांडिल्य ऋषि ब्रज में इनके गुरु सांडिल्य है। लेकिन कृष्ण जब फिर मथुरा आते हैं, फिर श्री गर्गाचार्य इनके गुरु है। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु जब गया में महाप्रभु गए थे, जब उन्होंने अपना गुरु जी को दर्शन किया, महाप्रभु कहते हैं गया यात्रा सफल अमार, आज गया आना हमारा सार्थक हो गया। बोले क्यों? तो आज हमने श्री गुरु जी के दर्शन किया, गुरु जी के चरणों को दर्शन किया, आज हमारी गया आना सार्थकता हो गया। लेकिन ध्यान देकर तो सुननी चाहिए, देखो गुरु करनी चाहिए। शास्त्र कहता है गुरु कर जान के, और पानी पियो छान के। गुरु करनी चाहिए, अंधे जैसे गुरु नहीं करनी चाहिए। इसलिए कृष्णा भगवत गीता में और भागवत में गुरु जी की तीन लक्षण बताया। अगर ये तीन लक्षण किसको अंदर में होना, तब तक हम उसको गुरु बना सकते हैं। बोले भैया तीन लक्षण क्या है? बोले तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदिष्टं ते ज्ञानं ज्ञानं तत्त्वदर्शिनं। बोले तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं सबसे परे यदि स्नातं ब्रह्म निरुपतवान। यदि ये श्लोक को नव जोगेंद्र कह रहे हैं नेमी महाराज को, जब नेमी महाराज ने प्रश्न किया ये माया बड़ी ठगिनी है, ये माया से हम पर पार कैसे जा सकते हैं, तब श्री नव जोगेंद्र कहते हैं तस्मात् गुरुं प्रपद्येत। अगर ये माया संसार से पार होना चाहते हो, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, गुरु जी की शरण में जाओ। हैं? बोले भैया पहचानेंगे कैसे गुरु जी का लक्षण क्या होनी चाहिए? बोले पहला लक्षण होनी चाहिए सारे शास्त्र को जो जानते हैं, क्योंकि अगर सारे शास्त्र को नहीं जानते ना, हमारे मन में जो अज्ञान है अंधकार उसको हटा नहीं सकते, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए पहले सारे शास्त्र जाननी चाहिए। कभी यही क्या गुरु जी की लक्षण? बोले नहीं, कभी एक का बाहर लक्षण तटस्थ लक्षण, बोले जो सही सही जो स्वरूप लक्षण, बोले परे च निस्नात, परे च मतलब ऐसे नहीं केवल दूसरों को उपदेश देने के लिए गुरु है, नहीं,
अपना जीवन में ये चीज को उतारते कि नहीं, ये 24 घंटा में 24 घंटा ये भगवत भक्ति करते कि नहीं। इसलिए भगवत भक्ति परायण होनी चाहिए, केवल दूसरों को उपदेश देने के लिए दूर नहीं, अपना जीवन में ये उतारनी चाहिए, अनुभूति संपन्न होनी चाहिए। और जो तीसरा जो गुण है, तभी माया से ऊपर होनी चाहिए, तभी तो हमें संसार से उठा सकते ना, नहीं तो हमें उधार कैसे करेंगे। इसलिए कभी ये तीन गुण देख करके करने चाहिए, ऐसे नहीं। इसलिए बताए गुरु कर जान के और पानी पियो छान के। इसलिए श्री सुत गोस्वामी सर्वप्रथम श्री गुरु जी की चरण की प्रणाम करते हैं। बोले भैया मेरे गुरु जी कौन है? बोले मेरे गुरु जी साधारण नहीं, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी। ये सुखदेव गोस्वामी कैसे है? बोले जो मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे, साधारण बच्चा 9 महीना तक रहता है, लेकिन मेरे गुरु जी 16 साल तक रहे, गर्भ से निकलना नहीं चाह रहे थे। जब श्री व्यास देव जी ने कहा भैया तू है कौन, मैया की पेट से क्यों नहीं निकल रहे हो, मैया को इतना कष्ट हो रहा है, भैया निकल जाओ। बोले प्रभु जी ये माया की संसार है, हम माया में जाना नहीं चाहते, क्योंकि मातृ गर्भ में जब 7 महीना हो जाए, तभी बच्चे को ज्ञान आता है, उसको ज्ञान हो जाता है, वो बच्चा देखता है माँ के पेट में नहीं नरक में सख्या, पेट में टाटी पेशाब खून पी कर कुछ है ही नहीं, एक पतला कवर है और सर नीचा और टांग ऊंचा, ऐसे ये बच्चा रहता है। फिर पेट में बच्चा रहते समय माताओं की चटपटी चीजें अच्छी लगती है, फिर गरम मसाला मिर्ची मसाला सब खाती है, वो भी बच्चे को शरीर में लगता है। फिर वो बच्चा भगवान को पुकारता है, बोले प्रभु हमें ये नरक से निकाल दो। भगवान कहते हैं बताओ अभी क्या करोगे अगर निकाल दूंगा तो? बोले प्रभु मैं समझ गया संसार में कोई चीज का है नहीं, ये झूठा संसार है, क्योंकि जिन लोगों के लिए मैंने किया था अपना बीवी बच्चे संसार के लिए, वो सब कहां है? कर्म का फल तो मेरे को अकेला लेना पड़ रहा है, सुख का समय तो सारा दुनिया थे, ये दुख में है कहां? सबके सब कोई है ही नहीं, इसलिए तो झूठा संसार है। एक बार अगर आप मेरे को जन्म दे दोगे ना, निकाल दोगे, मैं कसम खाता हूं कभी भी ये माया के संसार में मैं फंसूंगा नहीं, उठते बैठते सोते तेरे में नाम जप करूंगा, तेरे भजन करके संसार से पार हो जाऊंगा। भगवान ने कहा सच बोल रहे हो ना, अभी दुख कष्ट मिल रहा है इसलिए यहाँ कसम खा रहे हो, तो सच बोल रहे कि ना झूठ बोलते हो? बोले प्रभु मैं झूठ नहीं बोलता सच बोलता हूँ। भगवान ने कहा देखो अगर तुम भूल जाओगे ना, तेरे को बीच बीच में वार्निंग भी दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे? बोले जब एक बाल पक जाए ना, ये मेरी फर्स्ट वार्निंग है। बोले समय हो गया ऊपर जाने का, भगवान से वायदा करके आया था ना, हरि नाम करके भजन करोगे, कितने माला जप कर रहे हो, कितना समय टीवी और पेपर देख रहे हो, और कितने समय दुनियादारी की बात कर रहे हो, ये फर्स्ट वार्निंग है। लेकिन जब एक बाल पक जाए ना, शीशा से देख उसको उखाड़ देते। बोले थोड़ी अभी हम बूढ़ा बूढ़ी होने, हमें कुछ नहीं हुआ, अगर दूसरा बाल पक जाए फिर उखाड़ देंगे, तीसरा पक जाए फिर उखाड़ देंगे, हैं? अगर खिचड़ी बन जाए तो फिर कलर कर देते, फिर उसको बाल को कलर कर देते। बोले हम अभी बूढ़ा बूढ़ी कुछ नहीं हुए। भगवान कहते दूसरा बार नहीं दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले आंख में कमजोर हो जाएगी। अरे बढ़िया चश्मा लगा, गलत कर चश्मा लगा करके हीरो होकर घूमते। बोले कुछ नहीं हुआ है। भगवान कहते तीसरा बार नहीं दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले एक एक दांत तोड़ना शुरू करूंगा, पूरा टूट जाए तो फिर डेंटिस्ट के पास भी जाकर बढ़िया दांत लगा देते हैं, फिर खिलखिला कर हंसते हैं। बोले हमारे कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते फोर्थ बार नहीं दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले दो प्यार से ना तुम्हारे पर 3 प्यार हो जाएगी, फिर डंडा पकड़ना शुरू करोगे। बोले उसको बाद में फिर 5th बार में कि नहीं, राम नाम सत्य है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। गोस्वामी जी कहते हैं मातृ गर्भ से तो इसलिए आए भजन करने के लिए, भजन को तो एक तरफ में रख दिया जो काम करने आए थे, और जो नहीं करने के लिए आए थे ना उस पे लग पड़े, वो चीज में लग पड़े हैं। इसलिए समय रहते रहते हमें भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। एक बार हाथ उठाकर सबके साथ बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अरे बार जोर कर।
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने गुरु जी को प्रणाम करते हुए उन्होंने प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अब लोग बताओ पहला प्रश्न क्या था, कौन बोले हाथ उठा बताओ पहला प्रश्न कौन क्या था, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। देखो ये जो प्रश्न है ना, ये करोड़ रुपया की ये प्रश्न है कि आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तब उन्होंने एक श्लोक में इसका उत्तर दे रहे हैं। हरे कृष्ण जो पानी दे रहे ना प्रभु जी, जब कीर्तन होगा तो पानी देना, ठीक है भाई साहब। इसलिए करोड़ रुपया की प्रश्न है, क्योंकि हम जो कुछ कहते हैं जीवन में शांति पाने के लिए करते हैं। इसका उत्तर उन्होंने एक श्लोक में देते हैं, बोले सबई पुंसांग करो धर्म जत भक्ति रघुब सजे आहि दुखी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रतिद्यति। बोले आत्मा को तभी पूर्ण रूप में शांति मिलेगी। बोले कैसे पूर्ण रूप में शांति मिलेगी, बोले जब जी भगवान की भजन करेगा। क्योंकि सबई पुंसांग परो धर्म, बोले जीव मात्र का जो परम धर्म है भगवान को प्रेम करना, भगवान को भक्ति करना। क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है वो ईश्वर का ही अंश है। जब हम ईश्वर का अंश है, जैसे आप किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाओ, सबसे पहले आपको पूछा जाएगा आपका क्या क्वालिफिकेशन। आपने सीए किया ना, डॉक्टर किया ना, आपने इंजीनियरिंग किया, आप जो जिस विषय पर डिग्री किया ना, आपको अगर वही से काम मिले तो आप काम कर सकते हो। जैसे आपने इंजीनियरिंग किया, अगर आपको डॉक्टर का काम दिया जाए आप कर सकते हो, आप कर सकते नहीं कर सकते, क्यों? आपने जिस विषय पर आपने डिग्री प्राप्त किया अगर वो नौकरी दिया जाए ना, फिर तो नौकरी कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले हमें ये पता लगनी चाहिए मैं कौन हूँ, फिर उसको बाद में फिर कोई काम कर सकता हूँ। इसलिए मैं कौन हूँ, इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन मम इदांश जीव लोक जीव भूत सनातन, और जो जीव है वो मेरे अंश है। इसलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कृष्ण कहते अर्जुन जगत का पिता माता भाई बंधु मैं हूँ। इसलिए हम भगवान की संतान है, जब भगवान की संतान है इसलिए सबई पुंसांग, बई मतलब होता है निश्चित रूप में, पुंसांग मतलब होता है जीव मात्र के। बोले परो धर्म, पर मतलब सर्वश्रेष्ठ धर्म, एक तो व्यवहार की और एक पारमार्थिक की। जैसे पिता माता की सेवा करना, भाई बंधुओं की सेवा करना, परिवार को पालन करना, कभी ये जीव का धर्म नहीं, ये कर्तव्य है, धर्म नहीं है, ये कर्तव्य जीव का। लेकिन जीव का जो धर्म है, जैसे पानी का स्वाभाविक धर्म तरलता है, हैं? उसी तरह जैसे आग का स्वाभाविक धर्म गर्माहट देना है, उसी तरह जीव का जो सर्वश्रेष्ठ जो धर्म है, क्योंकि जीव भगवान का ही संतान, उनकी सेवा करना भक्ति करना ही जीव का ही परम धर्म। आप बोलोगे हम सबके सब तो भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति किसी ना किसी रूप में सब करते हैं, बोले फिर शांति क्यों नहीं मिल रही है। बोले भक्ति जैसे करनी चाहिए वैसे करना पड़ेगा। तो उनने दो उदाहरण देकर बताए। पहला नंबर है भक्ति में कोई कामना वासना नहीं हो, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। लेकिन हमारी भक्ति कैसे, ठाकुर के पास में गए जाकर के 10 रुपया की माला लेकर चढ़ाए, लेकिन एक पर्ची भी रख दिया, वो जो पर्ची होगा ना कम से कम 10 करोड़ों की पर्ची होगी। 10 रुपया तो माला दिया लेकिन पर्ची कितने की, 10 करोड़ों की। ठाकुर जी इसलिए 10 रुपया की माला चढ़ा रहा हूँ, हमारा घर को सामने देखो उनकी 3 मंजिल हो गया, अभी हम 1 मंजिल में, वो देखो कितने बढ़िया सुंदर कार में घूम रहे हैं, अभी हम बाइक में घूम रहे हैं, अभी तक तो बेटा की बेटी की शादी नहीं हुई, अभी इनकी नौकरी नहीं लगी, संसार इतना बड़ा पर्ची होगा ना, कम से कम 10 करोड़ों की पर्ची होगी। इसलिए तुम्हें 10 रुपया चढ़ की चीज दे रहा हूँ, आप हमारे घर में आओ और ये सारे काम को नौकर बन करके ये सब काम को तुम कर लो। कहते भैया ये भक्ति नहीं हुई, ये तो बिजनेस हो गया, ठाकुर को नौकर बनाना हो गया।
इसलिए भक्ति में कोई कामना वासना नहीं हो भक्ति में। देखो एक चीज समझो, आप बोलोगे हम थोड़ी साधु है, हम तो घर गृहस्थी ना, हमारा तो बीबी बच्चे संसार दुनियादारी, हमको भी ये दुनिया चाहिए, हमें हम तो बाबा संत नहीं है। हाँ देखो एक चीज समझो, ये गुरु जी कहते थे जैसे आपका दो बेटे हैं, आपके पास में बहुत सारी संपत्ति है, एक बेटा कहता है पिताजी आपका नाम पर जितने प्रॉपर्टी पहले मेरे नाम पर लिख लो फिर तो जा करके मैं आपका सेवा करूंगा, लेकिन एक बेटा कहता है पिताजी आप मेरे पिताजी हो, मैं आपका बेटा हूँ, आपकी सेवा करना मेरा परम धर्म है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य, केवल आपकी सेवा। आप बताओ दोनों बच्चे में आप किसको सारे संपत्ति का मालिक बना कर दिखाओगे, किसको सारे संपत्ति दोगे बोलाओ तो, आप लोग बोलो किसको सारे संपत्ति दे कर दिखाओगे, जो 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 जोर जबरदस्ती कहता है मेरे नाम पर सारे प्रॉपर्टी लिखा दो उसको दोगे ना, जो कहता है केवल आप सेवा करना चाहता हूँ कुछ नहीं करना चाहता हूँ आप उसको संपत्ति दे कर दिखाओगे बोलो तो, आप बोलो कुछ बोल नहीं रहे। जो कहता है पिताजी आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य, आपकी सेवा करेंगे, आप देखोगे भैया इतने अच्छा बेटा इसके लिए इतने पैसा कमा करके जाओ उसका जीवन में कोई तकलीफ नहीं हो, लेकिन जो जोर जबरदस्ती मांगता है ना बोले तेरे को कुछ भी मैं नहीं दूंगा, तेरे को कुछ भी मैं नहीं दूंगा, इसलिए भगवान को मांगने का जरूरत नहीं, उनकी भक्ति करो सेवा करो, हम सोच भी नहीं सकते हैं ठाकुर जी कितने देने वाले, इसलिए हनुमान जी ठाकुर के चरण में भक्ति मांगा ना, यही बोले ना बार बार वर मांगो हूँ हरसी देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। बताओ हनुमान को क्या नहीं मिला, रिद्धि सिद्धि वैभव, हनुमान का नाम लेते भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कहते ना उनका बदनामी कहते ना, हनुमान को क्या नहीं मिला बताओ, क्यों, वो राम की सेवक सेवकाई करते हैं, अगर निष्काम होकर सेवा करोगे ना ठाकुर इतने देते जो हम कभी सोच नहीं सकते हैं, अगर वो हजार हाथों से दिए दो हाथ से आप कितने ले सकते हो, इसलिए भक्ति में निष्काम होनी चाहिए। अब दूसरी कैसे होनी चाहिए बोले अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब होता है गुरु जी उदाहरण देते हैं जैसे जैसे सहे सहे देखो है जैसे ऐसे डालोगे ना देखना उसमें एक धागा बनी जाती है, कहते भक्ति होनी चाहिए निरंतर जमई, निरंतर जमई मतलब उसको बीच में टूटनी नहीं चाहिए, तैल धरावत अविच्छिन्न रूप में भक्ति होनी चाहिए, मतलब है हम 24 घंटा में 24 घंटा भगवान के चरण में मन लगनी चाहिए। फिर आप बोलोगे हम थोड़ी बाबा है दिन भर माला लेकर बैठेंगे और हरे कृष्ण करेंगे, हम तो अपना बीबी बच्चे संसार है ना हमारी, हम थोड़ी बाबा जो दिन भर माला लेकर बैठेंगे, भाई बोले माला लेने का जरूरत नहीं, इसलिए जो कुछ करो ठाकुर का मान कर करो, पैसा कमाओ क्यों पैसा कमा रहे हो ठाकुर की सेवा के लिए, सुंदर घर बनाओ बोले क्यों बोले ठाकुर जी का घर है, बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ बोले क्यों ठाकुर जी को भोग लगेगा, घर में झाड़ू लगाओ बोले कहाँ झाड़ू लगा रहे हो बोले ठाकुर का दरबार में झाड़ू लगा रहे हो, बच्चे को जैसे ब्रज गोपियां वो थोड़ी ये तो घर में थी ये थोड़ी घर बार छोड़ दिया था, ये लोग तो घर में थी ना, ये गृहस्थ थे, भागवत में जितने कथा सुनोगे ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश ये कोई त्यागी साधु नहीं थे, ये सबके सब गृहस्थ में थे, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी क्या करते थे जो कुछ करते थे ठाकुर को निमित्त बनाकर करते थे, सब कुछ करो छोड़ने का किसी चीज की जरूरत नहीं, भगवान को साथ में हर चीज को जोड़ लो ठीक है ना, बस भक्ति हो जाएगी। एक बार हाथ उठा करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, अरे एक बार जोर कर बोले सबके से, आप बोले नहीं सुनूंगा, जोर से कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे, एक बार बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम जी, एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर समझाए, वो कहते हैं
राम नाम की अंक है, सब साधन के सुना, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे दसगुना। उन्होंने बढ़िया अच्छा उदाहरण दिया, जैसे एक रखो उसका सामने एक जीरो दो कितना होगा बताओ, एक रख करके सिद्धार्थ में एक जीरो दो कितना होगा, बोलो जोर से, दस। पहले था एक, लेकिन जब एक जीरो दे दी ना झट दस गुना हो गया, और इसे जीरो दो कितना होगा, पहले था दस लेकिन एक जीरो दे दिया तो झट दस गुना हो गया, और एक जीरो दो कितना होगा, हजार। पहले था सौ लेकिन जब एक जीरो दे रहे हैं देखना दस 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 गुना बढ़ रहा है। अभी तो कहते एक तो हटा दो, अभी जीरो दो कितना होगा, बोलो और एक जीरो दो कितना होगा, और एक जीरो दो, और एक जीरो दो, कहते ये जीरो जीरो ही है, लेकिन ये जीरो जब एक में मिल जाता है ना वो जीरो मिल जाता है, लेकिन अगर एक को छोड़ करके बोले जीरो दे रहे हो वो जीरो हो जाता है। वो कहते भैया एक किया, अरे भगवान की भक्ति ही एक है, अगर जगत में सब कुछ प्रभु को भक्ति को साथ में कर तो तेरी संसार हीरो बन जाएगा, ये संसार हीरो बन जाएगा। इसलिए एक को छोड़ना नहीं, एक को साथ में सब चीज माने जोड़ देनी चाहिए, फिर तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। अभी अभी इनका जो दूसरा प्रश्न किया था, बोले दूसरा प्रश्न किया था, बोले जोर से, भगवान को पाने का कलयुग में सबसे सरल उपाय क्या, क्योंकि जब तक ये जीव प्रभु की प्राप्ति नहीं करे तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए दूसरी प्रश्न है, भगवान को कलयुग में पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। तब श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं, बोले एतद् निर्भिद्यमानानां इच्छताम् अकूत भयम् योगिनाम् नृप निर्णित हरे नामानुकीर्तनम्। बोले एतद् निर्भिद्यमानानां, जो संपूर्ण रूप में संसार से मुक्त हो गए, इच्छता अकूत भयम्, अगर जीवन में कोई अभय पाना चाहते हैं, बोले योगी नाम नृप निर्मित, बोले जितने योगी जितने शास्त्र सब के सब एक ही बात बताए, कलयुग में भगवान को पाने का क्या उपाय, हरे नामान कीर्तन, हरि का नाम कीर्तन करना ही कलयुग का यही परम धर्म। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बले कली जोग के फलना माधारा, कली जोग के फलना माधारा, कली जोग के फलना माधारा, I
श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर ध्यान करके सुने, जो व्यक्ति किसी जगत में ठाकुर का नाम जप करना शुरू करते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं उनको तीन काम होना शुरू हो जाता है। बोले तीन काम क्या है? बोले जमपुरी में श्री जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, बोले कापी लेकर के आओ। बोले क्यों? बोले ये व्यक्ति का नाम को काट दो। चित्रगुप्त कौन है? जो हमारी सारे जीवन का हिसाब किताब रखता है। बोले इसका नाम को रजिस्टर से काट दो। बोले क्यों? बोले ठाकुर का नाम जप करना उसने शुरू कर दिया, इसलिए जम महाराज बोले जमपुरी जाना तुम्हारी बंद हो गया। बोले दूसरा काम, बोले गोलोक वृंदावन में श्री राधा रानी अपना सखी को कहती है, बोले रजिस्टर ले आओ। बोले क्यों? बोले ये व्यक्ति का नाम रजिस्टर में लिख दो। बोले क्यों? बोले ठाकुर का नाम जब करना है, मरने के बाद ये सीधा गोलोक वृंदावन में आएगा, गोलोक वृंदावन में आएगा। दूसरा काम हो गया। बोले तीसरा काम किया, बोले ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी आरती का थाला सजाना शुरू करते हैं। बोले भैया क्यों आरती की थाला सजाते हो? बोले को हरिनाम कर रहा है ना, वो भूर भूव मोह जन तपल सत्यलोक को पार करते हुए जब भगवत धाम में गमन करेगा, ब्रह्मलोक को पार करते हुए जाएगा, मैं उसको आरती उतारूंगा। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति ठाकुर का नाम लेना शुरू करते हैं उसको तीन काम होता है। लेकिन भगवान कपिल देव माँ को क्या कहते हैं? देखो भगवत नाम की कितने प्रभाव। बोले अहो वत सपोच अतो गहिया जत जिह्वाग्रे वर्तत नाम तुभ्यम। कहे माँ, भगवान कहते अपना माँ को, हे माँ, बोले संपूर्ण जिह्वा में नहीं, केवल जिसकी जिह्वा की अग्र में जो प्रभु का नाम जप करता है, जिह्वा अग्र में, कहते तभी कोई व्यक्ति हरिनाम कर सकते हैं। अगर पूर्व जन्म में अगर वो चार काम करते आया, बोले चार काम किया, बोले वो व्यक्ति चंडाल क्यों नहीं हो, अगर प्रभु का नाम जप करता है, अहो अहो मतलब क्या होता है? आश्चर्य होकर के। हाँ, जो व्यक्ति प्रभु का नाम लेते हैं, भगवान कहते क्या आश्चर्य की बात है, भैया ठाकुर का नाम जप कर रहा है, ठाकुर का नाम ले रहे हैं। पूर्व जन्म में उसने सारे तपस्या कर चुका है, पूर्व जन्म में सारे तीर्थाटन कर चुका है, पूर्व जन्म में सारे दान कर चुका है, अब पूर्व जन्म में सारे बड़े से बड़े यज्ञ अश्वमेध वाजपेय यज्ञ, हाँ, ये सब यज्ञ पूर्व जन्म में उसने कर चुका है, तभी इसी जीवन में वो भगवान का नाम जप कर रहे हैं। बोले पूर्ण जुहा में नहीं, केवल जुहा के अग्र में जो ठाकुर का नाम लेता है। कहते भैया जिसका पूरा जीवा ठाकुर का नाम ले रहे, नहीं तो जो व्यक्ति इन्हीं दोनों हाथों से ठाकुर जी को सेवा करता है, बोले भैया उसकी महिमा हम क्या बताएंगे। बोले अगर कोई व्यक्ति कथा बैठ करके सुनता है, बोले वो तो और भी भाग्यवान है। बोले अगर कोई व्यक्ति इन्हीं हाथों से ठाकुर को सेवा करते हैं, मंदिर परिक्रमा करते हैं और कानों से कृष्ण कथा सुनते हैं, बोले भैया उसकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं। वो कितने पुण्यात्मा व्यक्ति है जो कि ये ठाकुर जी के नाम को जप करते हैं। इसलिए भगवान स्वयं नाम की महिमा, ठाकुर जी अपना जीवा में नाम की महिमा बताते हैं। इसलिए समझो ठाकुर जी का जो नाम जप करते हैं, करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य फल से कोई ठाकुर की नाम जप कर सकते हैं, सब ठाकुर की नाम जप नहीं कर सकते। देखो एक समय एक माता जी हॉस्पिटल में पड़ी हुई, अंतिम सज्जा में लेट हुई, दिन भर बक 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 करती थी, बेटी को घर में देना, बेटा को देख लेना, ये काम करना, लेकिन उनको बच्चे घर की तरह, माता जी कोई चिंता मत कर हम देख लेंगे, लेकिन तू थोड़ा राम राम राधे राधे तो बोल। देखो ये क्या कहती है, बोले इतना मैं बोल नहीं पाती, देखो इतना सारे बोल दिया, इतना मैं बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन दो अक्षर राम नहीं निकला, दो अक्षर राधे नाम नहीं निकला, लेकिन उसको जो पोता थे ना बड़ा चतुर थे, उसने बोले बोले दादी जी तू क्या नहीं बोल सकती, वो चतुर थे ना, तो दादी तू क्या नहीं बोल सकती, वो सोच रहे थे बोलेगा तो राम राम राधे राधे नहीं बोल सकती, बोले तू जो बुलवाना चाहते ना वही नहीं बोल सकती और सब बात को मैं बोल सकती हूँ। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं भैया ठाकुर जी का नाम जीवा से निकलना बड़ा कठिन है। इसलिए जब श्री नारद जी वाल्मीकि से मिले
पहलू दशरथ न करता, बिल्कुल राम बोल बोलो बोलो राम। लेकिन उसको मुंह से राम नहीं निकला, बोले तू बोलता था मारो मारो मरा मरा तो बोल सकते हो, बोला हाँ इतना तो मैं बोल सकता हूँ। इसलिए कहते उल्टा नाम जपतर जग जाना, बाल विकी भरे ब्रह्म समाना। केवल मराम राम करते करते राम राम हो गया। अब रामायण देखे ना, दस्यु रत्ना कर था, वो दस्यु रत्ना कर से वाल्मीकि हो गया। राम आने से पहले रामायण लिख दिया। अगर वो उल्टा नाम लेते लेते अगर वाल्मीकि बन सकते हैं, अगर हम सीधा नाम लेंगे तो फिर क्या नहीं बन सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक उदाहरण देकर बताए, जैसे देखना खेती में जैसे गेहूं बोते हैं ना, देखना ऐसे ऐसे फेंक देते हैं खेती में धान गेहूं ऐसे फेंक देते हैं, लेकिन वो भले ही उल्टा गिरे सीधा गिरे, लेकिन देखना जब पेड़ निकलता है कैसे निकलेगा सीधा, पेड़ सीधा, लेकिन जैसे फेंको लेकिन पेड़ निकलेगा सीधा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम ना सकई नाम गुण गाई, भगवान के नाम में इतने शक्ति है, भगवान राम भी अपना नाम की महिमा गा नहीं सकते, इतने महिमा ठाकुर जी की नाम जप करने में है। इसलिए जिस समय पुल बन रही थी, बंदर लोग पत्थर ला रहे थे, हनुमान जी राम का नाम लिख करके पानी में छोड़ रहे थे, वो पत्थर तैर रहा था, राम तो देख देख करके आश्चर्य हो रहे थे, बोले भैया मेरे नाम में कितने शक्ति देखो, पत्थर के ऊपर में नाम लिख करके फेंक रहे डूब नहीं रहे तैर रहा है। राम ने सोचा मैं भी एक दो पत्थर पानी में फेंक करके देखता हूँ डूबता ना तैरता है, बोले अगर सबको सामने फेंको अगर डूब गया फिर नाका लग जाएगा। भगवान राम एक झाड़ी को अंदर में गए और एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया डूब गया। भगवान बोले भैया ये पानी में डूब गया है, उसने और एक पत्थर उठाए फिर फेंके फिर डूब गया, बोले भैया ये क्या हो रहा है, मैं स्वयं राम हूँ अब पत्थर फेंक रहा हूँ डूबते जा रहा है। इतने में हनुमान जी सोचे प्रभु गए कहा दीप क्यों नहीं रहे, ढूंढते ढूंढते देखा बच्चे जैसे पत्थर उठा करके पानी में फेंकते हैं ना, भगवान बच्चे जैसे पत्थर उठा करके पानी में फेंक रहे हैं। इतने में हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले प्रभु बच्चे जैसे पत्थर क्यों पानी में फेंक रहे हो, बोले तू कहां से आ गया मैं तो देख रहा था कोई है ही नहीं, बोले प्रभु आपको तो छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता हूं। बोले हनुमान जी ये बताओ तुम लोग मेरे नाम को पत्थर पर लिख करके जब छोड़ते हो तैर रहा है, मैं स्वयं राम हूं लेकिन पत्थर को जो फेंक रहा हूं ये डूब रहा है। हनुमान जी मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है, बोले प्रभु जी तो सीधी सी बात है ये पत्थर क्यों तैर रहा है, चूंकि उसके ऊपर में आपका नाम लिखा हुआ आपके नाम के सहारा से वो तैर रहा है, लेकिन पत्थर को आप उठा करके उसको फेंक रहे हो, फेंकना मतलब क्या है उसको त्याग देना उसको छोड़ देना। बोले प्रभु अगर आप दुनिया के मालिक हो करके अगर किसी चीज को उठा करके आप उसको त्याग दे दोगे आप उसको छोड़ दोगे वो थोड़ी तैर सकता है, वो तो डूब ही जाएगा वो तो डूब ही जाएगा। बोले ओ यही बात है, इसलिए भगवान के नाम में इतने शक्ति ठाकुर जी के नाम में। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले नाम नाम कर बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियंत स्मरण न काल। महाप्रभु कहते हैं भगवान के अनंत नाम है, कृष्ण गोविंद दामोदर कितने नाम ठाकुर जी के हैं। अरे कलयुग में सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता, भगवान सारे शक्ति उन्होंने अपना नाम में दे दिया, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। फिर बोले नियमित स्मरण न काल, भगवान ये नहीं बताए देखो जो पवित्र अवस्था में वो नाम जप कर सकते हो अपवित्र अवस्था में कर ही नहीं सकते, ठाकुर ये भी नहीं बताए। हर समय ठाकुर का नाम को हम ग्रहण कर सकते हैं पवित्र अपवित्र अवस्था में। इसलिए भागवत में उदाहरण दिया देखो ठाकुर का नाम में कितनी शक्ति, ये अजामिल ने जब नाम को लिया किस रूप में लिया, भगवान को नहीं बुलाया अपना बेटे को बुलाया था, अपना बेटे को उसने नारायण भगवान को नहीं अपना बेटे को नारायण को बुलाया था। फिर बोले किसी अवस्था में ठाकुर जी को बुलाया जब तीन जमदूत उसको मारपीट कर रहे थे उसको प्राण को खींच रहे थे, उसी समय में उसका बुद्धि अस्थिर था
बुद्धि स्थिर नहीं था, वो अस्थिर बुद्धि अवस्था में बुलाया, बल अवस्था किया था, पर उसी समय में टाटी पेशाब कर रहा था, अपवित्र अवस्था था, वो पवित्र अवस्था नहीं था, अपवित्र अवस्था में बोले बुलाया कैसे, बोले चित्कार करते हुए, चित्कार करते हुए, बेटा नारायण, मतलब भगवान का नाम अगर किसी तरह से अगर प्रभु का नाम मुंह से निकल जाए, बोले अशेष अगहर विदो, जन्म जन्मांतर का सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर बताई तत्र विद्यमान नाम, भगवान बोले कलयुग में भगवान का नाम ही भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन है, ठाकुर जी का नाम जप करना। लेकिन महाप्रभु दुखी होकर एक बात कह रहे, वो दुखी होकर क्या कहते हैं, वो दुखी होकर कहते हैं बोले जीवा सब सबर्तिनी, बोले भगत सुलभम नामम, बोले भैया नाम लेने के लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं, कोई पैसा की जरूरत नहीं, लेकिन सत्य युग में यज्ञ करने के लिए, तृतीया युग में यज्ञ करने के लिए लकड़ी लाओ, घी लाओ, हवन सामग्री लाओ, पता नहीं कितने पैसा खर्च हो जाता था। सत्य युग में ध्यान करने के लिए कितने परिश्रम करना पड़ता था। द्वापर युग में अर्चन करने के लिए धूप दीप नैवेद्य कर्पूर अगुर चंदन पंचामृत दूध दही लाओ, कितने पैसा खर्च होता था। लेकिन कलयुग में देखा कि जीव इतना कर ही नहीं सकते हैं, ऐसे एक साधन रखो बिना पैसा बिना परिश्रम से ये साधन हो जाए। इसलिए भगवान बहुत सोच सोच करके उन्होंने बोले ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, केवल भगवान का नाम थोड़ा जप कर लो। लेकिन महाप्रभु कहते हैं भैया मैंने इतने सरल कर दिया, तभी भी ये कलयुग का जीव प्रभु का नाम ले रहे, तभी भी कलयुग का जीव ठाकुर का नाम जप नहीं कर रहे, बोले भैया इनको उद्धार कैसे होगा, इनकी उद्धार कैसे होगा। इसलिए एक बार हाथ उठाकर सबके सब बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। और एक बार सबके सब बोले बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ देखो आज हम लोग सबके सब बैठ करके एक माला जप करेंगे, ठीक है, एक माला जप करेंगे, फिर ठाकुर जी की आरती होगी, फिर प्रसाद लेकर सबके सब जाना। देखो अब चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे, एक दिन महाप्रभु का भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु हमारे घर में आपका भोजन। भगवान एक चीज को शिक्षा देने के लिए बोले देखो मैं सबके घर में खाना नहीं खाता हूँ। बोले किसको घर में खाना खाते हो, बोले जो लखपति होगा। आज से 5.5 साल पहले लखपति मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण गौरव, भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, आप तो लाख की बात करते हो, पर हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे। तो महाप्रभु बोले जानते हो असली लखपति कौन है, बोले कौन है, बोले रोजाना जो 1,00,000 नाम ठाकुर का जप करते हैं, 1,00,000 नाम जो ठाकुर की जप करते हैं वही असली लखपति। इसलिए मीरा कहती हैं ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरेवती मैं बिखरा गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी वो कंगाल हो गए। इसलिए भगवान ने कहा जो 1,00,000 ठाकुर जी की नाम जप करते हैं वही असली लखपति है। लेकिन अगर किसको व्यक्ति को बोलो ना भैया थोड़ा हरिनाम करो, भगवान के लिए थोड़ा समय निकालो हरिनाम करो, साधारण लोग क्या कहते हैं, बोले नहीं बच्चों के लिए कुछ पैसा कमा करके जाना है ना, बच्चों के लिए कुछ पैसा कमा कर रख करके जाना। देखो हमारे गुरु जी बड़े गुरु जी कहते थे बोले भैया बच्चे के लिए ज्यादा पैसा कमा कर मत जाया करो। बोले क्यों, बोले बच्चा अगर होनहार होगा तो कमा ही लेगा, अगर नालायक बन गया ना जितने पैसा तुम कमा करके जा रहे हो, शराब पी करके मांस खा करके जुआ खेल करके सारे पैसा को बर्बाद कर देगा। इसलिए ऐसे पैसा कमाओ इसी जीवन में
जो तुम्हारी इसी जीवन में भी साथ में रहे और अगले जीवन में भी तुम्हारी साथ में जाए। ये कौन सा धन है? इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जो धन को कोई नहीं ले सकते हैं, लूटने वाले नहीं, फूटने वाले नहीं, जो धन केवल बढ़ती रहती है वो क्या है? ठाकुर जी की नाम धन है, ठाकुर जी की नाम धन। देखो बड़े गुरु जी कहते हैं एक चीज को समझो, जैसे आप यहाँ से वृंदावन जाओगे, आपसे एक प्रश्न करता हूँ, यहाँ वृंदावन कितना घंटा का रास्ता है? यहाँ से वृंदावन बताओ कितना घंटा का रास्ता? 3-4 घंटे का रास्ता समझो। जैसे 2-3 दिन के लिए आप वृंदावन जा रहे हो, 2-3 दिन के लिए, लेकिन आपको पास में ऐसे कौन सा चीज रहे, आप जब 2-3 दिन के लिए वृंदावन जाओगे आप बड़े खुश होकर के जाओगे, बताओ तो ऐसे कौन सा चीज आपके पास में रहनी चाहिए, बड़े खुश होकर यात्रा करोगे आप लोग, बताओ। पैसा, बोलो जोर से, कहती है पैसा। अगर पकेट गर्म तुम्हारी, भले ही तुम्हारे पास में कुछ नहीं, कपड़ा भी उतना नहीं, खाने का भी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पकेट में हमारी पैसा, पकेट गर्म है, बड़े खुश होकर यात्रा करेंगे। बोले क्यों? बोले पकेट में पैसा है ना, बढ़िया से बढ़िया होटल में रहेंगे, चाट मसाला लस्सी खाएंगे, हाँ वृंदावन घूमेंगे, कपड़ा भी नहीं, पैसा आए तो कपड़ा खरीदी कर लेंगे। देखो हमारे गुरु जी कहते थे, देखो केवल 2-3 दिन के लिए यात्रा कर रहे हैं, 2-3 दिन के लिए यात्रा, तब भी हम सोचते हैं हमारे पास में कितने माल है, कितने पैसा है। बोले गुरु जी कहते थे, भैया एक दिन ऐसे एक यात्रा करना पड़ेगा हमें, जो हमारी अंतिम यात्रा हो, जो यात्रा कंपल्सरी सबको करना है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं कर सकता जो यात्रा हम नहीं करेंगे। ये कब करना पड़ेगा कोई नहीं बोल सकते। हमने जो श्वास छोड़ा है, दूसरा बार भी श्वास ले पाएंगे कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकते, लेकिन सबको वो अंतिम यात्रा करना पड़ेगा। तब यहाँ पर श्री कबीर कह रहे हैं, बोले भैया हमारा पास में ऐसे कौन सा वस्तु हो, कौन सा धन हो, बड़ी आनंद पूर्वक अंतिम समय में यात्रा होएगा। कबीर कहते हैं, जगत में मरने में सब जग डरे, जगत मरने के लिए सब डरता है, कोई मरना नहीं चाहता है, मरने का नाम सुनते घबरा उठता है, लेकिन कबीर कहते हैं भैया मेरा मन आनंद है। किसने पूछा भैया दुनिया तो मरने के लिए डरते, तू आनंद क्यों तक बोल रहे आनंद? बोले भैया जिंदगी भर प्रभु का नाम जप किया ना, कबीर कहते जिंदगी भर प्रभु, मैंने प्रभु का नाम जप किया है, मेरे को पता है ये ऐसे के धन है जिसको कोई भी नहीं ले सकते हैं, हैं? कभी मरी हो कभी भेटी हो परमानंद, ये प्रभु का नाम मैंने जप की, मेरे लिए तो वीआईपी व्यवस्था होगी अंतिम समय में। देखना हमारे भारतीय संस्कृति यही है ना, मरते समय बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है और सब मिला झूठा, ये बोलते हैं ना, जितने तुमने राम का नाम लिया कृष्ण का नाम लिया यही सच्चा सत्य है और जगत में सब झूठा। कबीर कहते हैं हम जिंदगी भर प्रभु का नाम जप किया ना, मेरे को पता भैया हमारे पास में माल ही माल है, हमारे पास में माल ही माल है, अगले जीवन में चकाचक रहेंगे, खाएंगे पिएंगे मस्ती लेंगे, क्योंकि नाम राम रूप धन हमारे पास में, ठीक है ना। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, देखो मेरे तरफ में देखो, कुछ दिन पहले टीवी में आता था, आप लोगों ने अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो? वो बोलता था करोड़पति कौन बनेगा, बोलता था ना कौन करोड़पति बनेगा, इसलिए महाप्रभु कहते हैं भैया लखपति कौन बनेगा, आप मेरे तरफ में देख लो आप लखपति कैसे बनोगे। जैसे ये माला है इसमें 108 मोती है,
यदि माला जप करते समय ये अंगुल को उसमें नहीं लगानी चाहिए, क्यों? ये गंदा अंगुल सबसे पहले ये निकलता है, हम तुम्हें ठीक कर लेंगे, देख लेंगे तुमको, इसलिए ये अंगुल को हम बाहर निकालते हैं। और ये बीच वाले अंगुल में ये माला रख करके, जैसे हरे कृष्ण, आप लोग मेरे साथ में बोलो, फिर लखपत बन जाओगे, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उसमें एक मोती सरकाते हैं, फिर दो बाल बोलकर दो मोती सरकाते हैं, देखो एक लाख कैसे होता है, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब एक बार हमने माला की 16 बार हो गया, एक बार है आपसे 16 बार हो गया, इसमें 108 मोती है, अगर हमने एक माला कर ली, जब यहाँ पर समाप्त हो जाए, ये अंगुल उसको पार नहीं करानी चाहिए, इसको ऐसे घुमा लो, घुमा करके फिर छोटे तरफ से करनी चाहिए। अगर हमने इसे 16 माला कर लिया तो हिसाब से 25,000 हो, अगर हमने 64 माला कर ली, बोले 100,000 नाम हो गया, 100,000। भगवान कहते हैं तुमने 100,000 नाम नहीं जप किया, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 100,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट होंगे, ये भगवान खुद कहते हैं। बोले भैया ब्याज कितना मिलेगी, बोले दीन पायो जी मैंने राम रतन पारो। आज अगर 100,000 माला किया ना, मीरा कहती है कल तुम्हें 1,25,000 मिलेगी और 4 दिन में 2 लाख, ये धान इतने तेजी बढ़ती है, इसलिए ये ऐसे कह रहे हैं, अगर पिता अगर जिंदगी भर लूटेगा उसको पत्नी नहीं ले सकते, बच्चे नहीं सकते, बच्चे अगर ये धन को लूटे उसको पिता माता नहीं ले सकते, इसको जो लूटेगा केवल वही इसी जीवन में मालिक बनेगा और अगले जीवन में तो ब्याज समेत तुमको मिलेगी, ये धन में कोई नहीं अधिकारी हो सकते। इसलिए कौन सा धन को लूटनी चाहिए, भगवान की नाम धन को। अभी हम लोग एक माला जप करेंगे, फिर कीर्तन सुनेंगे और ठाकुर को प्रसाद लेकर जाएंगे, ये माला उठा तो ही माला को लेकर के सबको दे दो, उन लोगों को दो जिनके पास में माला नहीं है, उठा माला एक दो बिटू, ये माला सबको बांट दो, जिन जिनियों के पास में नहीं उनको दे दो। और देखो ये माला कोई लेना नहीं, माला जप करके फिर हमें वापस दे जाए, माला को हमें वापस दे जाए, क्योंकि रोज हम माला जप करके लास्ट में जो मांगेगा उसको हम माला दे देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा, सबके पास में माला पहुंच गई ना, इसलिए सब लोग जब माला जप करना थोड़ी जोर जोर से बोलना, क्योंकि माला तो हम एक जप करेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर 100 से ज्यादा भक्त लोग बैठे हुए, लेकिन अगर जोर जोर से करेंगे ना, हमको माला तो एक करेंगे लेकिन 100 माला करने का फल मिल जाएगा, क्योंकि सभी को कानों में सभी का आवाज पहुंचेगा है, इसलिए। और जो हरिनाम करेगा उसका पाप सर को ऊपर से उड़ जाएगा, लेकिन बैठेगा कहाँ पर, तो करेगा नहीं, इसलिए सबके सब मेरे साथ में सबके सब माला जप करो, आंख बंद कर लो, समझो श्री वृंदावन में श्री बांके बिहारी चरण में
हम बैठ करके हरि नाम करेंगे, ठीक है? सबके सब बैठ करके आंख बंद करके भजन करना। देखो हमारे गुरु जी कहते थे जैसे भाई एक पत्थर उठाओ और पानी में फेंको, देखना वो पानी में फेंकते ही उसमें लहरी आएगी, फिर अंतिम छोर पर स्पर्श करके फिर दो बार लहरी आएगी। जब हम भगवान के नाम जब करते हैं, ये शब्द ब्रह्म है, ये कोई साधारण अक्षर नहीं, ये भगवान का नाम है। कहते ना मंगल भगवान अमंगल हरि ठाकुर का नाम, जब हम नाम जप करेंगे इसका लहरी इसका शब्द जितने दूर तक जाएगा उतना दूर तक सारे पाप को ये नष्ट कर देगा, सारे पाप को। इसलिए थोड़ी सी जोर जोर से करना, जैसे सभी का आवाज सभी का कान में जाए, लेकिन माला तो एक करेंगे लेकिन 100 माला करने का हमें फल मिलेगा। मतलब आपको आज 125,000 रुपया आपको बैंक में आज डिपोजिट हो जाएगा, फिर अगले जीवन में ये ब्याज है समय मिलेगा। इसलिए आप लोग मेरे साथ के संग से बोल रहे बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक पंक्ति सर करेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे माला पूरी होगी ना एक माला होगा सबके सब माला वापस दे दे कोई लेना नहीं क्योंकि रोज रोज एक एक माला जब कराएंगे लास्ट में ये माला आपको मैं दूंगा इसलिए कोई लेना नहीं माला सब वापस दे दो नहीं तो काम लगेगा सबके सब माला दे दो वापस सबके सब खड़े हो जाओ प्रभु जी आप सुंदर भजन सुनाएंगे अरे भजन में सबके सब नृत्य करना गुरु वृंदावन बिहारी राम की श्रीमद भागवत महापुराण की जय जय श्री राम अरे माँ के बिहारी की देख छटा अरे मेरो मन है गयो लटा मटा I'm gonna make you mine.